अक्षम साबाहेब श्री सीताराम ध्यानम। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। श्री सीतारामाभ्याम नमः। अच्युतानि पुष्पाणि समर्पयामि गंधाक्षत पुष्प धूपम दीपम नैवेद्यम ओम गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्यपुष्टाम करीष्णिम ईश्वरीम सर्वभूतानाम ताम्योपवये श्रियम्मा। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत स्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत नाभ्या आसीदंतरिक्षगुंसिष्णौ द्यौहौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोता तथा लोकान कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि हस्तौ प्रक्षाल्य व्यासपूजनम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिग्रह्यताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एक परिक्रमा कर लेंगे व्यासपीठ की सभी लोग। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। गंगा मैया की जय। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आदरणीय विनोद जी भाई सबसे निवेदन, अपनी कथा के अध्यक्ष हैं विनोद भारती जी, पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद दिलाएंगे। भीमसेन खट्टर जी की ओर से आज का प्रसाद है, प्रसाद सेवा है, उनसे भी निवेदन है, मंच पर आ जाएंगे। योगेश धामा जी विधायक बागपत, अरविंद जी गुप्ता मारवाड़ी मंच पर आ जाएंगे। संजीव सिक्का जी समाजसेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। अजय मित्तल जी न्यू मोहनपुरी स्पोर्ट्स का व्यापार है आपका, आपका भी स्वागत है। योगेंद्र शर्मा जी कभी चाचा जी हैं इस पर भाई साहब के। मुकेश सैनी जी, पंकज गौड़ जी, आदरणीय छविंद्र जी भाई साहब, लोकेश गौड़ जी, वंदना बहन जी सह परिवार मंच पर आ जाएंगे। मुकेश सैनी जी, डॉक्टर नीरज जी पशु चिकित्सक हैं, मुजफ्फरनगर से आए हैं, और श्रीमान ललित जी बिरला वो भी पशुधन चिकित्सा अधिकारी हैं। प्रसार संजीव सिक्का जी बड़े धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भूमिका रखते हैं आप। ज्योति वर्मा जी पूर्व पार्षद सह परिवार मंच पर आ जाएंगे। सुधीर चौहान जी गढ़ से हैं सह परिवार। भीमसेन जी भाई साहब की ओर से आज की प्रसाद सेवा है। योगेंद्र शर्मा एडवोकेट हो गया। आलोक जी प्रसाद व्यवस्था में लगे हैं। संदीप जी कलश में हैं वो भी आ जाएंगे। ललित बिरला जी पशुधन चिकित्सा अधिकारी मुजफ्फरनगर, और डॉक्टर नीरज जी लक्ष्मीनगर की कथा में बड़े जोर शोर से लगे थे।
गोविंद जी जल व्यवस्था में हैं, आशीष मित्तल जी कलश व्यवस्था में हैं, ज्योति वर्मा जी सहपरिवार, सुधीर भाई सब बोल दिया, सहपरिवार बुलाया, ईश्वर चंद जी धर्म जागरण के संयोजक हैं हमारे इसी भाग के, उनसे भी निवेदन है दौड़ के आ जाएं। ईश्वर चंद जी, ईश्वर चंद कंसल जी, आज उनकी पारिवारिक जीवन जब प्रारंभ हुआ था तो उसकी डेट है, उनका मन है कि पूज्य महाराज जी से मैं आशीर्वाद प्राप्त करूं। बड़े मन से लगे हुए हैं ईश्वर जी कंसल भाई साहब। मैं प्रदीप जी से आज्ञा लेकर के सभी राम भक्तों से प्रार्थना करता हूं, एक बार जयकारा बोल करके ईश्वर चंद कंसल जी को शादी की वर्षगांठ की बधाई दे दें। जयकारा बिरबिरंगी। प्रदीप जी से निवेदन करता हूं कि स्वागत करें ईश्वर जी का मंच पे। हाँ, पहला दी गुरु जी ने, पहला दी बहुत बढ़िया। बोलो व्यासपीठ महाराज की जय, व्यासपीठ महाराज की जय, व्यासपीठ महाराज की जय, पूज्य श्री अतुल महाराज जी की जय, पूज्य श्री अतुल महाराज जी की जय। यह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश कटाए रुख मिले तो भी सस्ता जान, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा ना जाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुजी आज छठे दिन हमको छठा पुष्प प्रस्तुत करने जा रहे हैं अपनी वाणी से। मैं मेरठ महानगर के समस्त राम भक्तों की तरफ से निवेदन करता हूं, गुरुजी आप हम सबको तार दें, हम सभी भक्तों के पातक कटें। और यहाँ पर ओगणनाथ मंदिर के समीप जो कथा हो रही है, ये सभी के लिए वैभव दे, संपन्नता दे, आपकी मधुर वाणी आशीर्वाद के रूप में सभी भक्तों को फले। और धर्म जागरण के कार्यकर्ता जो इस कथा में लगे हैं, उन सभी के लिए भी आपका आशीर्वाद मिले। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको धन्य कर दें, हम सभी भक्तों को पातकों से दूर कर दें, कष्टों से दूर कर दें, आपकी वाणी हम सबको आनंदित करे, सबके घर में मंगल हो। पूज्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए परम प्रार्थना, हे गुरुवर, हे गुरु महादेव, हम सभी को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का काम करें। पूज्य व्यासपीठ महाराज की जय। आप सभी को राम राम। हमारे ईश्वर जी इतना अच्छा बोल रहे थे कि मुझे लग रहा था कि अब वो कथा ही प्रारंभ करें। बहुत ही सुंदर उनकी वाणी है। और थोड़ा सा आज मुझे विलंब हुआ, मैं आज हस्तिनापुर दर्शन करने गया था, तो चूंकि मैं जिस साम्राज्य में आया हूँ, हस्तिनापुर के प्रति मैं समझता हूँ कि भारत के बच्चे बच्चे की श्रद्धा है, क्योंकि पूरा देश दो ही ग्रंथों से प्रेरणा लेता है, रामायण और महाभारत। तो महाभारत का जो सबसे केंद्रीय नगर है वो हस्तिनापुर है। पुराने वैभव के टीले को देखा और मन को बड़ा आनंद हुआ।
आइए, आज माता जानकी जी का जन्मदिन है, उनकी जयंती है ऐसा माना जाता है। दो दिन माने जाते हैं, एक तो वैशाख के महीने की नौमी, उसको जानकी नौमी कहते हैं, एक आज की भी जो अष्टमी है। आज अनुराधा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र भक्ति का नक्षत्र होता है, इसी नक्षत्र के कारण राधा रानी नाम कहा गया। ये बहुत ही पवित्र आज का जो काल है, इसमें आपसे निवेदन है कि मेरे साथ मंगलाचरण का गायन करें, आपके पास पत्रक है और जितना आपकी वाणी से आप गा सकें, कमर सीधी कर लें, तीन बार ओम का उच्चारण करें। ओ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारं वंदे वाणी विनायकं आदितस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषाञ्च जायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बोली रज रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वरनहु रघुबर बिमल यश जो दायक फल चा बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार वो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम्भव भी श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास जन्म जन्म मोहिती जियो श्री वृंदावन वास श्री राम जय
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव किनाई जय विधिनाथ होए हित मोरा करहु सुबेग दास में तोरा वीर दयाल विरत संभारी करहु नाथ माम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सादर शिवही नाई अब माथा पर नहु विशर राम गुण गाथा जय जय गिरिधर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजबदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता राम कथा कली कामद गाई सुजन सजीवनी मूरि सुहाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी सादर शिवही नाई अब माथा वरनहु विशद राम गुण गाथा बोले श्री गणेश जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय आज के आनंद की जय सब संतन की जय सब देवन की जय गंगा मैया की जय गौ माता की जय भारत माता की जय महाकाली मैया की जय बिल्वेश्वर महादेव की जय औगणनाथ महाराज की जय श्री झारखंड महादेव की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव आप सभी को पुनश्च प्रणाम करते हुए श्री राम कथा का छठा पुष्प आज भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आपको जहां भी आनंद के साथ स्थान प्राप्त हो बैठें और अपने मोबाइल्स को साइलेंट पर रखें, आनंद के साथ आइए। कल आपने बालकांड का प्रसंग पूरा सुना, कल भगवान का विवाह संपन्न हुआ और आज अयोध्या कांड का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है।
बालकांड मानस का सबसे बड़ा कांड है, 362 दोहों का। बालकांड के सुनने का भी महत्व कल बताया गया कि जो भी इसको सुनेगा, वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही, भगवान श्री राम और जानकी जी के आशीर्वाद से वो हमेशा सुख प्राप्त करेंगे जो लोग इसको कहेंगे सुनेंगे। अब अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है। अयोध्या कांड का जो प्रारंभिक दोहा है वो बहुत प्रसिद्ध दोहा है और आप सबको याद है। रामायण की जो सबसे प्रसिद्ध चौपाई है वो भी सबको याद है, मंगल भवन मंगलहारी। और जो सबसे प्रसिद्ध दोहा है वो भी सबको याद है। एक बार मेरे साथ आप गुनगुना लेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, बरनउ रघुबर बिमल यस जो दायक फल चा। ये पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। उसके बाद जो चौपाइयां गाई गई हैं पहले दोहे की, वो बहुत ही सिद्ध चौपाइयां मानी गई हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि जो भी इस पहले दोहे का अपने घर में गायन करेगा उसके घर में रिद्धि सिद्धि बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। एक सज्जन ने पूछा, महाराज कितना बढ़ेगा, यानी अमीरी कितनी बढ़ेगी हमारे घर। डोंगरे जी महाराज ने कहा, भाई ये तो नहीं बता सकता कितना बढ़ेगा, लेकिन ये गारंटी देता हूं कि जिसके घर में गाया जाएगा वहां गरीबी नहीं रहेगी, ये पक्की बात। ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, ये हमेशा बना रहेगा। तो पहला दोहा बहुत ही सिद्ध है, मेरे गुरुदेव भी लगातार इसको गाने का आग्रह करते हैं, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्वयं इसको रोज गाता हूं, जो मैं स्वयं नहीं करता वो आपसे नहीं कहता। तो पहला दोहा हम लोग गा रहे हैं, आप हमारे साथ गाइए प्रेम से, और याद हो तो साथ में गाइए, नहीं याद हो तो प्रेम से बहुत भावना से श्रवण करिए। आप जब घर में गाएंगे तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा खोजने में, अयोध्या कांड खोलते ही पहला दोहा आपके सामने होगा और एक मिनट का समय आपको गाने में लगेगा। जब ते राम ब्याही घर आई नित नव मंगल मोद बधाई, भुवन चारि तसि भूतल भारी सुकृत मेघ बरसहि सुखबारी, रिधि सिद्धि संपत्ति नलि सुहाई उमग अबध अम्बुद कहु आई। हे मनि गण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनु इतनी विरंची कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलोक मनोरथ बेल। हे राम रूप गुणशील सुभाऊ प्रमुदित हो ये देख सुनिराओ, मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिन बिहारी, सबके उर अभिलाष अस कहि मनाई महेश, आप अक्षत उग राज पद राम ही देहु नहीं। ये पहला दोहा गाया गया और इसमें आपने सुना कि अयोध्या में रिद्धि सिद्धि की नदियां दौड़ रही हैं, सत्कर्मों के बादल सुखों की बरसात कर रहे हैं, सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी। ये कितना दिव्य चौपाई है। सत्कर्म होंगे तो उनके बादलों जैसे सागर में से
भाप बन के पानी उठता है, बादल बनते हैं, वही बरसता है। तो हमारे जीवन में भी जो आता है वो हमारे ही कर्मों का फल आता है। सत्कर्म करेंगे तो सुखों की बारिश होगी। भगवान श्री राम की शादी के बाद अयोध्या का वातावरण कैसा हो गया, इसका यह वर्णन है। आपको निवेदन करूं कि शादी के बाद 12 वर्ष भगवान अयोध्या में रहे और 12 वर्ष में उन्होंने प्रशासन में कितना सुधार किया होगा। ये जो लोगों में संपन्नता आती है, गवर्नमेंट का सिस्टम यदि अच्छा होता है तो लोगों में संपन्नता आती है। जो कार्यकर्ता पीछे खड़े हैं वो जोर से आवाज में बात ना करें, उनकी आवाज से यहां तक डिस्टरबेंस हो रहा है, मौन रहकर व्यवस्था करें। यहां बहुत ही प्यारी वंशी बज रही है शास्त्रीय संगीत में, तो यहां आप संगीत के स्वरों का आनंद लें। देखिए, जो राजा होता है, राजा का जो दायित्व है और सरकार का गठन भी इसीलिए किया जाता है कि सरकार को जो जनता टैक्स देती है, सरकार का काम है लोगों के जीवन को सुरक्षित करना और सुखी करना। किसी भी व्यक्ति को अपने विकास के भरपूर अवसर मिल सकें, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो, यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। भगवान श्री राम चूंकि विश्वामित्र जैसे ऋषि के साथ 11 वर्ष लगातार रहे हैं, तो उन्होंने जन जन की जुड़ी हुई समस्याओं को देखा है, पूरे देश में घूमे हैं, इसलिए वो आम आदमी की परेशानियों को समझते हैं। तो उन्होंने आने के बाद जो प्रशासन में जो भी सुधार करने होंगे वो सब किए होंगे, और उनके आगमन के कारण देश में इतनी संपन्नता आ गई कि रिद्धि सिद्धि की नदियां दौड़ने लगी। तो जनता के मन में स्वाभाविक ये डिमांड उठने लगी कि राम हमारे राजा हों और हमेशा के लिए राम हमारे राजा हों। अत्यंत गंभीर है, अत्यंत धैर्यवान है, अत्यंत वीर हैं, यानी जितने भी आप धारण करने योग्य गुणों के नाम लिखेंगे और उन सबकी एक मूर्ति बनाएंगे तो राम बनेंगे। इसलिए नारद जी ने कहा रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म की मूर्ति है। आप जो भी सोचेंगे तो पूरी जनता में जय जयकार है। 12 वर्ष विवाह को हो चुके हैं, एक दिन राजा दशरथ का दरबार लगा है। उस समय के दरबार आजकल के संसद की तरह नहीं होते थे। आजकल संसद में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, उस समय तो टोटल पक्ष ही पक्ष था, क्योंकि राजतंत्र था और राजतंत्र में विरोध करने वाला जीवित ही नहीं रह सकता था। राजतंत्र में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी, वहां वोटिंग से राजा तय नहीं होता था, वहां तलवार के बल पर राजा तय होता था। आज से 70 वर्ष पहले, लाखों वर्षों से भारत में शासन की यही परंपरा थी, राजा तलवार के बल पर होता था। अंग्रेजों ने हम पर शासन किया अपनी तलवार के बल पर, उससे पहले मुगलों ने शासन किया तलवार के बल पर, जिन्होंने भी किया, जहां के जो भी राजा हुए, कौरवों और पांडवों में शासन का निर्धारण वोटों से नहीं हुआ, युद्ध से हुआ। तो राजा दशरथ के दरबार में सब उनकी जय जयकार कर रहे थे, लेकिन एक गुट ऐसा था जो बहुत तेज नारे लगा रहा था, फोटो माला ये वो। तो राजा दशरथ को देखिए आप जरा ध्यान से, वो धर्म धुरंधर हैं, गुणनिधि ज्ञानी हैं। उनकी एक आदत थी कि जब भी कोई उनकी जय बोलता था तो वो शीशा निकाल के देखते थे। अब ये कौन सा शीशा है, इस शीशे से मैं आपका परिचय करवा देता हूं। अभी जो आपने दोहा बोला, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इंग्लिश में जो मिरर शब्द है वो संस्कृत के मुकुर शब्द से बना है। मुकुर माने शीशा, अपने मन के मुकुर में यानी अपने मन के शीशे में अपनी शक्ल देखना।
हम अपनी दोनों आंखों से पूरी दुनिया के चेहरे देख सकते, अपना तो नहीं देख सकते। अपना शीशा तभी देखेंगे, अपना चेहरा, जब हमारे सामने एक शीशा होगा। तो जैसे ऊपर का चेहरा देखने को शीशा चाहिए, वैसे अंदर से हमारा स्वभाव कैसा है उसको देखने को भी मन का शीशा चाहिए। और ये मन क्या होता है? मन होता है हमारे विचार। अष्टावक्र की बात मैं कल आपसे कर रहा था कि अष्टावक्र ने जब जनक जी को अष्टावक्र गीता सुनाई तो जनक जी ने कहा कि मैं दक्षिणा में आपको क्या दूं? बोले तू मुझे अपना मन दे दे। अब ये मन क्या है? हमारी बुद्धि की जो क्षमता, जब किसी भी वस्तु के संपर्क में आके हम उसके बारे में विचार करते हैं, जिसके संपर्क में नहीं आते उससे तो विचार करते नहीं। आप यहां बैठे हैं तो यहां बैठकर आपको भोजन की वस्तुओं के बारे में विचार नहीं आएगा, लेकिन जब आप किसी शादी के पंडाल में जाएंगे, वहां दावत में जाएंगे, वहां तरह तरह के स्टॉल होंगे, तो फिर वहां आपके विचार शुरू होंगे कि मैं इसमें से क्या खाऊं क्या ना खाऊं। हमारे सामने जो चीजें होती हैं उन्हीं के बारे में हमारे विचार चलते हैं, या हमारे दिमाग में जो चीज प्रायोरिटीज पर होती है उन्हीं के बारे में हमारे विचार चलते हैं, उसी को हमारा मन कहते हैं। तो अपने मन के विचारों को शुद्ध करना यह शास्त्र के ज्ञान से होता है। तो श्री गुरु चरण सरोज का मतलब है शास्त्र का ज्ञान, क्योंकि गुरु आपको क्या सुनाएगा? शास्त्र। और गुरु आप किसको मानेंगे? अभी मैं आपको फिजिक्स के बारे में प्रवचन करूं तो आप उतनी श्रद्धा नहीं रखेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाऊं तो शायद उतना नहीं होगा। शास्त्र के बारे में प्रवचन कोई करता है तो उसके प्रति अलग प्रकार की श्रद्धा होती है। तो गुरु माने शास्त्र, गुरु माने ज्ञान। ज्ञान से अपने मन को शुद्ध करना। अब राजा दशरथ का मन कितना शुद्ध होगा कि परमात्मा उनकी गोद में खेल रहे हैं, और दुनिया के सबसे ज्ञानी गुरु वशिष्ठ उनके गुरु हैं। इतने ज्ञानी गुरु के शिष्य राजा दशरथ हैं। एक बात मैं और आपको निवेदन करूं कि ये मानस में जो दो पात्र हैं, एक का नाम दशरथ है और एक का नाम दशानन है। मेरठ के दामाद हैं दशानन, मेरठ उनकी ससुराल है। दोनों के नाम में 10 नंबर जुड़ा है, और 10 नंबर हमारे दुनिया में उस खिलाड़ी को पहनाया जाता है जो उस खेल का सबसे बड़ा सुपरस्टार होता है। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर 10 नंबर की जर्सी पहनते थे, अभी उनके बाद किसी और को बीसीसीआई ने नहीं दी। फुटबॉल में मैसी पहनते हैं आजकल 10 नंबर की जर्सी, तो 10 नंबर की जर्सी वही पहनेगा जो सुपरस्टार होगा। रामायण के जो दो सुपरस्टार हैं, एक दशरथ है और एक दशानन है, दोनों 10 नंबर की जर्सी पहनते हैं। एक के आंगन में भगवान विहार करने आते हैं, दशरथ अजर बिहारी, और दूसरे के आंगन में भगवान विनाश करने जाते हैं। जाते दोनों के आंगन में, दोनों उनके प्रिय हैं। दशानन की भी आप क्वालिटी देखिए कि दशानन को भगवान और कहीं नहीं बुलाए, उसके घर गए स्वयं उसका उद्धार करने। दशानन को अयोध्या नहीं आना पड़ा अपनी मुक्ति के लिए, अयोध्या नाथ को लंका जाना पड़ा उसे मुक्त करने के लिए। तो दोनों में से कोई कम नहीं है, लेकिन ये विहार और विनाश की कथा है। यही रामायण से हम सबको लोगों को सीखना है। दशरथ माने हमारे जीवन में 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों का ये जो शरीर है, इस पर जिसका कंट्रोल है, इस पर कंट्रोल करने को कहते हैं शम और दम। शम माने विचारों पर, मन पर, और दम माने क्रियाओं पर, इंद्रियों पर। तो राजा दशरथ का अपने शरीर पर, मन पर पूर्ण नियंत्रण है, और दशानन के 10 इंद्रियां उसके कंट्रोल से बाहर हैं। तो इसलिए एक जगह विहार है और एक जगह विनाश है। आइए आज मन के ऊपर बात है, और मन में इंद्रियों के भोग जब सामने आते हैं
जैसे आंख का विषय रूप है, जैसे कान का विषय शब्द है, नाक का विषय गंध है, जीभ का विषय स्वाद है, त्वचा का विषय स्पर्श है, ऐसे जो भी विषय हमारे सामने आते हैं, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं प्रत्येक इंद्रिय के, तो हमारे मन में कई बार हलचल हो जाती है, विचारों में हलचल हो जाती है। प्रत्येक इंद्रिय का एक थानेदार है, अंदर जो ज्ञान का दीपक जल भी रहा है, कई बार वो थानेदार उसके वेग को देखकर खिड़की खोलता है और उसकी हवा से अंदर वो दिया बुझ जाता है, बड़े बड़े अच्छे ज्ञानी बहक जाते हैं। लेकिन जिनके हृदय में भक्ति की चिंतामणि होती है, वो 24 घंटे प्रकाशित रहते हैं और आनंद में रहते हैं। तो बंधुओं, रावण कोई कम ज्ञानी नहीं है, लेकिन जब उसने पूरी दुनिया पर विजय करने का अभियान चलाया तो भोगों की आंधी ने उसके अंदर के ज्ञान के दीपक को बुझा दिया और फिर वो तामसिक मार्ग पर चला गया। है तो वो भी ऋषि का ही पुत्र, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी है, दुनिया का सबसे बड़ा वीर आदमी है, हर दृष्टि से सबसे अधिक संपन्न है। तो इसी विषय में सावधानी रखने को, मानव जीवन को और अधिक तेजस्वी बनाने को ये हमारा शास्त्र सिखाता है। और इसके बारे में आज की कथा की जो शुरुआत है, आज चूंकि भगवान अयोध्या से बाहर जाएंगे, वनवास के लिए जाएंगे 14 वर्ष, तो मुझे कबीर साहब की बेटी कमाली की एक पंक्ति याद आ रही है, आप सबने भी सुनी है, उससे आज हम शुरुआत करते हैं। कबीरदास हमारे देश के बहुत बड़े संत हुए, आप सभी जानते हैं, उनके वचनों पर PhD होती हैं। उन्होंने कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोए। वो कबीरदास जी, उनका बेटा तो कुछ बिगड़ गया कमाल, तो उन्होंने उसके बारे में स्टेटमेंट दिया कि डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। लेकिन उनकी जो बेटी है वो भारत की सूफी संतों की परंपरा में एक बड़ा नाम है, उसका नाम कमाली है और उसके सूफी भजन बड़े लोकप्रिय है। एक भजन को लता जी ने गाया है, रंग महल के तस दरबाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी, सर को झुकाए मैं तो चुप के खड़ी थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी। अब ये सैया निकस गए माने अपने हृदय में जो परमात्मा का अनुभूति है, आत्मा माने गोपी और परमात्मा माने कृष्ण, तो ये उन्हीं को कहा गया है। ये सूफी भाव में इसी प्रकार की भाषा होती है। तो बहुत ही प्यारा ये गीत है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सन्यासी बने और सन्यासी बन के भगवान के प्राप्ति के लिए साधना कर रहा हो और फिर वो मार्ग में भटक जाए, मान लीजिए उसके जीवन में क्रोध आ जाए, काम आ जाए, धन के प्रति लोभ आ जाए, कोई और बात आ जाए, तो फिर उसके बाद जो उसकी ग्लानि होती है वो कबीर की बेटी ने व्यक्त की है। छोड़ पिया घर नहीं हर जाऊं, छो
पिया घर में हर जाऊं, छोड़ पिया घर में हर जाऊं, छोड़ पिया घर में हर जाऊं, कौन देहरी अब शीश नवाऊं, कौन तहली अब शीश नवाऊं, कर सिंगार में तो दुल्हन बनी थी, ऐसी दुल्हन से तुआरी भली थी, सैया निकसी गए ना लड़ी थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी। ये जो वचन हैं बहुत प्यारे हैं, और इस बीच में एक बहुत ही प्यारा समाचार आ गया है। हमारे देश के हमारे केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, जो कि हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं, पूरे देश में जिनका राजर्षि के नाते एक विशेष स्थान है, वो पंडाल में पधारे हैं। आप सब मेरठ के सभी धर्म प्रेमी जनता एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और आदरणीय हनुमान जी से श्री ईश्वर दयाल जी से निवेदन है कि वो उनको ले आए, वो पुष्पार्चन करें, रामायण जी पर पुष्प समर्पित करें। मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि मैं भी उनका फैन हूं, ओ हमारे हृदय में उनका बड़ा स्थान है। माइक उधर, वो भाई साहब मंच पर लगा। आप यहाँ की कथा समिति को हमारे कथा संयोजक सामने विराजमान है श्री मुकेश सिंगल जी, और पूरी कथा समिति को आशीर्वचन के दो शब्द कहे। मैं क्या कहूं, गांव में कहते हैं कि जब हैपर लाइट हो वहाँ ढिबड़ी क्या रहेगा, जब इतने बड़े रोशनी जो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं एक ही अपनी वेदना कहूँगा महाराज जी, मैं आज भी आया था वो धर्म संवाद। अब वो धर्म संवाद, धर्म की व्याख्या करने में नहीं यहां खड़ा हुआ, वो राष्ट्र धर्म का संवाद। मैं जनसंख्या नियंत्रण पर काम करता महाराज, मेरी पीड़ा है यहां बैठे लोगों से कि आज जिस ढंग से जनसंख्या डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, मेरठ तो उसका प्रतीक है महाराज। चाहे आप स्टेट बैंक कॉलोनी देख लो, चाहे पटेल नगर कॉलोनी देख लो, मैं आपसे निवेदन करूंगा जैसे घर में आज मेरे बच्चे, नए बच्चे गायत्री मंत्र नहीं जानते, आज मेरे बच्चे हनुमान चालीसा नहीं जानते, बच्चों का कोई दोष नहीं, दोस्तों मेरा हमने उन्हें बताया नहीं, हम उन्हें आईएएस आईपीएस तो बना रहे हैं,
लेकिन संस्कार और संस्कृति नहीं दे रहे। मैं यहां बहनों से कहूंगा, यहां कितनी बहनें हैं जो अपने बच्चों का जन्मदिन मनाती हैं? नहीं मनाती? मनाती हो तो भगवान के दरबार में साक्षी मान के बोलो, भगवान की दरबार में पुरुष और नारी सभी। मैं महाराज आपने बोलने के लिए कहा तो मैं निवेदन कर रहा हूं, भारत की संस्कृति के लिए हम तो राम का जन्म मनाते हैं, उनकी लीला मनाते हैं, प्रभु श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, खूब मनाते हैं, लेकिन हम हीन भावना से जीते जीते हम जो जन्मदिन मनाते उसमें केक काटते और मोमबत्ती बुझाते। हमारे धर्म में दीपक जलाने का है, दीपक बुझाने का नहीं। दीपो भव, धर्मो रक्षित रक्षित, धर्म की रक्षा तब आप करोगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। मैं निवेदन करूंगा महाराज जी कि आज इस व्यास गद्दी पर से की ओर देख करके आप संकल्प ले सकते हैं, वही हाथ उठाएंगे कि हम अपने बच्चों का जन्म उत्सव खूब मनाएं, रात भर जग के मनाएं, दिन भर उत्सव करके मनाएं, खूब खीर पूरी हलवा जिसको जो खाना हो खाएं खिलाएं, लेकिन मंदिर में दीपक अपने घर के भगवान के फोटो के आगे दीपक जला के प्रसाद चढ़ा करके ही मनाएं, ना कि केक काट करके। जो आज संकल्प लेते हैं वो ही आज व्यास गद्दी के सामने महाराज जी के सामने हाथ उठाएं। जो संकल्प लेते हैं बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, विराम इसलिए देता हूं महाराज, हम भाषा से चले गए, हम भूषा से चले गए, हम संस्कृति से चले गए, धीरे धीरे हमारी पहचान खत्म हो रही है, हमारी पहचान ही नहीं बचेगी। एक तो मेरी जनसंख्या घट रही है, मैं बोलना नहीं चाहता, किसी को नहीं पता होगा कि आज भारत बारूद के ढेर पर खड़ा है। आज हमारा कट्टर और टक्कर का देश में चल रहा है, एक कट्टर है एक टक्कर है, उनसे टक्कर है, जो कट्टर है उनसे टक्कर है। हम तो ऐसे हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, हम तो ऐसे हैं वसुधैव कुटुम्बकम कहते, हम तो किसी को नहीं कहते इस धर्म का। इसलिए मैं बहनों से, क्योंकि अगर बच्चों के अंदर संस्कृति नहीं दिए, महाराज जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी कंसेंसी में दो दिन पहले अपने समाज का ही एक व्यक्ति दूसरे धर्म में चला गया, ताबूत में बंद हो गया। मैंने प्रार्थना करके विनती करके, भारत में हमारी संस्कृति जिसे सनातन धर्म कहते उस सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है, आई सनातन धर्म धीरे धीरे संकट में है। हम एक तरफ बदलाव की ओर जा रहे हैं, लोग हमारे ही लोगों को दूसरे धर्म में ले जा रहे हैं, वो क्रिश्चियन धर्म में, मुझे बोलने में छुप छुपा करके, क्योंकि यहां बैठे लोग कुंभकर्ण की चादर ओढ़ के बैठे हैं महाराज जी, जातियों का चादर, वैभव का चादर, राजनीति का चादर, और उधर हमारा बेटा पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बनता है, उनका डॉक्टर बेटा आईआईटी बेटा कहता है हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, हमारा बेटा मंदिर नहीं जाता, हम मंदिर नहीं जाते, वो बिना नमाज पढ़े हुए रहता नहीं,
हम आज आ गए, अभी भी काफी कुर्सियां खाली है महाराज। आज कोई ऐसा उत्सव होता जो युवाओं को, तो इसमें युवा आते, यहाँ तो मैं बहुत कम युवा को देख रहा हूँ, बहनों को देख रहा हूँ, भाइयों को देख रहा हूँ, अपने बेटे बेटियों को कम देख रहा हूँ। महाराज मेरा निवेदन है, अब जरूरत है भारत के अंदर हम अपने परिवार में संस्कार और संस्कृति दें। अगर संस्कार संस्कृति नहीं दिए तो उससे लगाव नहीं होगा, लगाव नहीं होगा तो जब उसे कोई तोड़ने के लिए आएगा, जब उसे कोई मिटाने के लिए साजिश करेगा तो हम लड़ नहीं पाएंगे। आज बड़ा विकराल है पूरे देश में, जो विकराल स्थिति बन गया है, किसी का बच्चा धरना स्थल पर बीमारी से मरता हो, इतना जहर भर दिया गया है। बहनें कहती हैं कि हमारा बच्चा शहीद हुआ है। पाकिस्तान के अंदर हमारी बेटियों को शादी के मंडप पर से उठा लिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं इन भक्तों से, अगर मेरी बेटी उठा ले धर्म परिवर्तन कराए तो क्या करोगे, क्या करोगे? अपने अपने अंदर पूछो, या तो मैं मार दूंगा या मर जाऊंगा। कश्मीर से क्यों हटे? घट गए इसलिए हटे, जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां संकट बढ़ा। इसलिए अगर राम भक्त सुनना है, राम भक्त बनना है, राम को पूजना है, मंदिरों को देखना है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति लोग बनाने के लिए तैयार हैं। कौन कौन लोग हैं जो इसके साथ जूझने को तैयार हैं? जरा मैं हाथ तो देख लूं, हाथ तो देख लूं, हाथ है सभी उठा है। इन संकल्प भरे हाथों में कोई लक्ष्मी बाई का रूप लेना होगा, किसी को महाराणा प्रताप बनना होगा, किसी को गुरु गोविंद सिंह की तरह अपने बेटे को भी सूली पर चढ़ाना होगा। ये अगर करने को तैयार हैं तभी ये राम भक्त हजारों हजार साल तक चलेगा, नहीं तो ये राम कथा भी संकट में होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इसी अक्टूबर में, पिछले अक्टूबर में यहां से जनसंख्या के लिए एक यात्रा निकाला, बहुत कम लोग होंगे जो आके खड़े हुए होंगे। सबको लगता है कि ये तो राजनीतिक है, भाई राजनीतिक नहीं है। हमारे घर में अब बच्चे नहीं हैं, हम बच्चों को कह भी नहीं रहा हूं कि तुम, हमारे 40 वर्ष से ऊपर का उम्र 60% है, 60% है, घर में बच्चे नहीं हैं, उनके घर में 40% 14 वर्ष से नीचे है, हमारे घर में 13%। हमारी उम्र 40 से ऊपर की आबादी है। इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, और कानून के लिए आप घर में बैठे रहोगे, कॉफी पीते रहोगे, और तो लड़ेगा कौन, मरेगा कौन? अगर अपने बच्चों के लिए संकल्प लेना है तो मन में संकल्प लो और घर घर जगाने का काम करो कि स्थितियां, एक ऐसी स्थिति आए कि कानून बन जाए, ऐसा कानून बने कि हिंदू और मुसलमान के लिए, दोनों के लिए अगर दो बच्चा है तो दोनों के लिए बराबर का कानून बने। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी विनती है, यही बहुत बड़ा संदेश आप हम सबको मिला है। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगा दें। हर हर महादेव।
ये जय कृष्ण, जय हो कृष्ण जी की जय हो। बहुत अच्छा, अगला नंबर कृष्ण जन्मभूमि की जय का है। आइए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत ही सुंदर, इतने तेजस्वी उद्बोधन को आपने सुना और बहुत दिल से कही गई बात, क्योंकि जो उन्होंने हृदय से पूरे जीवन में महसूस किया वो पूरे देश में देख रहे हैं, केंद्र सरकार को चला रहे हैं, तो वो हम सबसे उन्होंने निवेदन किया। और जब तक सब लोग नहीं जगेंगे देश को बचाने के लिए, तो प्रत्येक देशवासी को जागरण करना ही पड़ेगा, और ये धर्म जागरण की कथा है। तो बंधुओं, बहुत ही सुंदर विषय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, राजा दशरथ के प्रसंग को आप सुन रहे हैं। इस समय राजा दशरथ का दरबार लगा है और उसमें जय जयकार हो रही है, लेकिन महाराज बहुत धर्मात्मा है, तो महाराज ने शीशा निकाल के देखा और शीशे में उन्होंने देखा कि उनके बाल सफेद हो गए हैं, क्योंकि वो पगड़ी जो पहनते थे वो पगड़ी टेढ़ी हो गई थी, मुकुट टेढ़ा हो गया था, तो कान के पास के बालों को उन्होंने देखा बिल्कुल सफेद हो चुके थे। तो सफेद बाल देखकर पहले तो उन्होंने अपनी पगड़ी को सीधा किया और फिर मन में विचार किया, सफेद बालों ने उनके कान में उपदेश किया कि महाराज अब आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अब आप सिंहासन राम जी को सौंप दीजिए। ये छोटा सा प्रसंग है लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग है। ये दो चौपाई जरा मेरे साथ आप श्रवण करिए। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन विलोक मुकुट समकीना, श्रवण समीप भये चित केसा, मनहु जरत पर अस उपदेशा, नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन ले, मंगल भवन अमन गणहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा दशरथ ने मुकुट को सीधा किया, कब सीधा किया, जब लोग जय जयकार कर रहे थे। अब जब आप स्वयं रामायण को पढ़ेंगे तो आप ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, और ये घटना आप इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने आपको सुनाई है, ऐसा अर्थ पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब आप भारत में कथा लेखन की परंपरा को समझेंगे तो हमको समझाने के लिए कथाओं को लिखने का एक विशेष प्रकार का तरीका है। जिन्होंने जय जयकार की तो राजा ने अपने मन में विचार किया कि भाई ये लोग मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हैं, भाई कोई किसी की जय जयकार क्यों करेगा, लोग जबरदस्ती जिंदाबाद के नारे क्यों लगाएंगे। आप भी समझ लीजिए, आप में से जितने सोशल पॉलिटिकल लोग यहां बैठे हैं उन सबके लिए भी बहुत ही मार्गदर्शक ये सिद्धांत है कि जब भी कोई आपकी तारीफ करे, जब भी कोई आपकी प्रशंसा करे, जब भी कोई आपकी जय जयकार करे, आप ये सोचिए कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि नियम ये है कि जो ज्यादा मक्खन लगाएगा वो चूना भी लगाएगा, नहीं तो कोई आपकी तारीफ क्यों करेगा। तो राजा ने अपने मन में विचार किया, जो कि मन मुकुर सुधार, मन के शीशे को साफ किया था, तो उनको ध्यान में आया कि जिस कोने में से जिंदाबाद के नारे ज्यादा लग रहे हैं ये वही लोग हैं जो सत्ता का सबसे ज्यादा लाभ ले रहे हैं।
आप देखते हैं कि सत्ता जो होती है वो कहीं ना कहीं फंस जाती है कुछ लोगों के हाथ में, कुछ गुटों के हाथ में। राजा बड़े धर्मात्मा है, बड़े ज्ञानी है, बड़ा लंबा प्रशासनिक अनुभव है, तो राजा ने तुरंत मुकुट को सीधा किया। मुकुट सीधा करने का मतलब है कि उन्होंने मंत्रियों के विभाग बदले होंगे, आईएएस आईपीएस को इधर उधर किया होगा, सेक्रेटरी बदले होंगे, लेकिन उस कवायद में उनको समझ में आ गया कि अब हम बूढ़े हो गए हैं और प्रशासन चलाना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए राजा ने तुरंत मन में निर्णय कर लिया कि अब मैं राम को युवराज बना दूंगा और अब मैं भगवान का भजन करूंगा। अब देखिए, ये सफेद बाल राजा के कान में उपदेश कर रहे हैं, तो पंडाल में जितने भी सफेद बाल वाले लोग बैठे हैं, जिन्होंने अपने बाल काले भी कर लिए हैं, वो सब ध्यान से सुने। अभी आदरणीय गिरिराज जी कह रहे थे कि बच्चे तो दिखाई पड़ नहीं रहे हैं बड़े ही। अब ये निश्चित बात है कि बहुत छोटे बच्चे कथा में नहीं आते कथा में, क्योंकि कथा को समझने के लिए भी एक निश्चित मानसिक स्तर की आवश्यकता होती है। अगर मानसिक स्तर रामायण से जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर यहां बैठने में इंटरेस्ट आने वाला नहीं है। आप जितने भी लोग इस पंडाल में बैठे हैं, आप चूंकि रामायण की कथा को जानते हैं, इसलिए आपको यहां बैठने में आनंद आता है। जो नहीं जानता उसको आनंद नहीं आएगा। तो बच्चे पंडाल में नहीं आएंगे, इसके कारण हम लोगों को ही बच्चों के बीच में जाना चाहिए, तरीका तो यही है। तो खासकर जो स्कूल चलाने वाले लोग हैं या स्कूलों में प्रबंधन में हैं, उनको बच्चों की प्रेयर असेंबली में कभी कभी ऐसे एक 30 मिनट का 40 मिनट का, अब बच्चे इतना लंबा भी नहीं सुनते, तो बच्चों को एक 30 मिनट का 40 मिनट का एक बहुत अच्छा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जिसमें थोड़ा सा उनको समझ में भी आ जाए कि हमारी कल्चर हमारा वो हमारे लिए किस प्रकार से फायदेमंद है। आजकल के बच्चे साइंटिफिक हैं, लॉजिक से बात को स्वीकार करते हैं, तो जो वक्ता हो वो ऐसा हो जो बच्चों की मानसिकता को समझकर उन्हीं की भाषा में और साइंटिफिकली उनको समझा सके। मैं काफी ऐसा प्रयास करता हूं, जहां भी कथा होती है वहां कोशिश करता हूं जितना हो सके, लेकिन वास्तव में वक्ताओं को ही बच्चों के बीच में जाना पड़ेगा, बच्चे तो पंडाल में नहीं आ सकते उतने। एक तो आजकल ट्यूशंस की बड़ी आफत है, बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं फिर ट्यूशन भी पढ़ते हैं, तो उनके टाइमिंग, और मेरठ की कथा के समय तो वैसे भी ये पेपर का टाइम चल रहा है बच्चों का, फरवरी उनके एग्जाम का सारा लोड उनके सिर पर होता है। तो आइए, जो इतने सफेद बाल वाले लोग बैठे हैं वो ध्यान से सुने, और जिनकी आयु 50 के ऊपर हो गई है वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि 50 के ऊपर 51 शुरू होते ही आपके पीछे 1 शुरू हो जाता है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो तो भी 51 है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो तो भी 51 है, यानी आपके पीछे 1 प्रारंभ हो गया। लेकिन 1 का मतलब डरिएगा नहीं, 1 का मतलब यह नहीं है कि आपको घर छोड़ के 1 में जाना है। 1 का मतलब समझ लीजिए, कौन सा 1 है? पुण्यों का 1। किसका 1? पुण्यों का। अब हमको पुण्यों के 1 में जाना है, हमको पुण्य कमाना है। पुण्यों के 1 में कौन घूमते मिलेंगे आपको? महर्षि वाल्मीकि जिनकी मूर्ति रखी है, श्री हनुमान जी महाराज। रामायण के मंगलाचरण का 4th श्लोक, सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। गोस्वामी जी ने कहा, जहां भी सीताराम जी का गुणगान होगा वहां जो पुण्यों का 1 खड़ा होगा उसमें श्री हनुमान जी और श्री वाल्मीकि जी हमेशा विहार करेंगे। तो ये इतना सुंदर श्लोक है, इसलिए आप जहां रहिए वहां पुण्यों को बढ़ाइए। बाल सफेद
ये सूचना दे रहे हैं कि भैया सिर पे सफेद रूमाल आ गया है, अब कफन वाला कपड़ा पीछे, अब आने की तैयारी शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई, जैसे कथा की उल्टी गिनती आज शुरू हो गई। 9 दिन की कथा थी, 5 दिन गुजर गए, अब ये 4 दिन बचे, आज के बाद 3 दिन बचेंगे, कल के बाद 2 दिन बचेंगे। इसी प्रकार जिंदगी भी होती है, अब 100 साल की उम्र होती थी तो 50 साल से उल्टी गिनती शुरू होती थी, अब तो 100 भी नहीं बची, तो भी आप 60 के बाद तो उल्टी मान ही सकते हैं। चले 50 पर अगर आप ग्रस्त आश्रम छोड़ने को राजी ना नहीं है तो 60 पर मान लीजिए, और 60 पर भी नहीं है तो कम से कम 65 पर तो मान ही लीजिए। अब 15 साल जो अंत के बचे उसमें संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम को मिला दीजिए, और थोड़े से पार्ट टाइम सन्यासी हो जाइए, और उसमें थोड़ा पुण्यों को बढ़ाइए, अगर सेवा कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते ए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते पुनरपि जन्म मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम एहि संसारे फल दुस्तारे एहि संसारे फल दुस्तारे कृपा अपारे पाहि मोरारे एहि संसारे फल दुस्तारे कृपा अपारे पाहि मोरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते सफेद बालों ने राजा दशरथ के कान में उपदेश कर दिया कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए प्लीज क्विट, अपनी सीट से इस्तीफा दे दीजिए और आप साधना करिए। अब यहां जिनके सफेद बाल हो गए हैं पूरे, वो इस बात को ध्यान से सुने, और ये सफेद बाल आपके कान में भी उपदेश कर रहे हैं, तो छोड़ के कहीं वन में जाने की जरूरत नहीं है, बस घर की जिम्मेदारियों को थोड़ा बच्चों को सौंपने की आवश्यकता है, वो अच्छा करें तो बुरा करें तो, अगर भैया अब हमें तो 2 रोटी खानी है और भजन करना है, जितना बुजुर्ग भजन करेंगे उतना बच्चों का भाग्य बढ़ेगा। बाढ़ई पूत पिता के धर्मा, माता पिता के किए गए पुण्यों से बच्चों का भाग्य बढ़ता है। तो राजा दशरथ ने संकल्प कर लिया कि अब मैं राम को राजा बना दूंगा, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि राजा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिला रहा हूं कि भगवान श्री राम को मनाने जब श्री भरत जी चित्रकूट गए तो उन्होंने श्री भरत जी से पूछा कि क्या तुम 18 प्रकार के जो जासूसी डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उनसे रोज मिलते हो, भरत उनसे रोज रिपोर्ट लेते हो? अब हमको तो इतने प्रकार के डिपार्टमेंट भी नहीं पता है, हमको जासूसी में रॉ पता है, आईबी पता है, सीबीआई पता है, या और क्या होता है, एलआईयू तो मेरठ में है, प्रदेश की है, सीआईडी है, एलआईयू है, प्रदेश की है, केंद्र सरकार की सीबीआई है, और रॉ है, आईबी है, इस प्रकार की है। अब ये तो वो है जो हम लोगों को पता है, अब कितनी और है, क्योंकि गुप्तचर माने जिसका पता ना हो।
राजा की आंखें तो जासूस है, राजा को देश में क्या हो रहा है ये तो उसके जासूस ही बताते हैं। यानी त्रेता युग में भगवान राम श्री भरत जी से पूछ रहे हैं कि 18 प्रकार के जो जासूसी के विभाग हैं, क्या उनके विभागों के प्रमुखों से रोज रिपोर्ट लेते हो भरत? यानी अगर आप राजा के पद पर हैं तो वो पद इतना आसान नहीं है, उस पर बैठने वाले व्यक्ति को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जो नहीं करते तो अगले चुनाव में ढेर हो जाते हैं। तो राजा दशरथ को समझ में आ गया कि उम्र का अपना एक तकाजा है, एक उम्र के बाद शरीर शिथिल होना प्रारंभ होता है, इसलिए उन्होंने उसी समय छोड़ने का संकल्प कर लिया। अब आप सोचिए, उन्होंने घोषणा कर दी, उस समय चूंकि दरबार में सारे गणमान्य लोग आए हुए थे, सबसे पूछा, भाई मेरे मन में राम को राजा बनाने का विचार आ रहा है, आप बताओ आपको कोई समस्या? लोगों ने तो बहुत समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल तिलक करूंगा। गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप बताइए। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा विचार है, तो मुहूर्त बताइए। गुरुजी ने कहा राजनीति के काम में देर करना ठीक नहीं होता, राजनीतिक कार्य को तुरंत कर देना चाहिए। राजा ने कहा नहीं कल करूंगा। गुरुजी की बात को टाल दिया। गुरु ने कहा था कि बेग विलंब न करिए नृप साजिए सबई समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। पहला शब्द क्या बोला? बेग। बेग माने तुरंत करो। लेकिन राजा ने कल पर टाल दिया और राजा की कल नहीं आई। आज की कथा में से एक बड़ा सूत्र आप अपने जीवन के लिए ये सीख सकते हैं कि अच्छे काम को कभी भी कल पर मत टालिए। हमारे यहां कहावत है, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। इसलिए भगवान श्री राम ने कभी भी अच्छे काम को कल पर नहीं टाला। एक छोटा सा उदाहरण मैं उनका बताता हूं आपको। उनकी शरण में विभीषण आया, तो विभीषण जब आ रहा था तो विभीषण कोई सामान्य व्यक्ति तो था नहीं, वो भी हेलीकॉप्टर से ही आया था। अब रावण के पास तो अपना था, हो सकता है उसने चार्टर्ड लिया हो अपने सेक्रेटरीज के साथ। अब कोई भी इतना बड़ा साम्राज्य का मंत्री अगर पार्टी चेंज कर रहा है तो इसका मतलब सोच विचार करके जा रहा होगा। विभीषण सोचता हुआ आ रहा है कि मैं राम जी की शरण में जा रहा हूं और हनुमान जी के रेफरेंस से जा रहा हूं। विभीषण के सिफारिश करने वाले कौन है? हनुमान जी। सुग्रीव के सिफारिश करने वाले भी कौन है? हनुमान जी। इसलिए हम हनुमान चालीसा में गाते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, और तुमरो मंत्र विभीषण माना, तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण सारी परिस्थिति जानता है, वो इस बात को जानता है कि राम इतने मर्यादावान हैं कि राम ने जब बाली को मारा तो बाली के सिंहासन पर कब्जा राम का था, वो जिसे चाहे उसे ने, तो बाली को उन्होंने मारा था। लेकिन उन्होंने किष्किंधा के साम्राज्य के खजाने में से एक पाई भी नहीं ली, कोई हीरा कोई पन्ना कोई रत्न भी ले सकते थे, कुछ नहीं लिया। राम इतने ईमानदार हैं कि उन्होंने सारा का सारा सुग्रीव को ज्यों का त्यों दे दिया। अंगद को युवराज बना दिया। तो विभीषण सोच रहा था कि परिस्थिति तो एक जैसी है, सुग्रीव की जो कंडीशन थी वही मेरी, उसे बड़े भाई ने मारा, मुझे बड़े भाई ने मारा, उसके बीवी बच्चे किष्किंधा में, मेरे बीवी बच्चे लंका में, वो भी हनुमान जी के सिफारिश से, मैं भी हनुमान जी की सिफारिश से। बाली की तो राम से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, रावण की तो राम से भयंकर दुश्मनी है क्योंकि उसने सीता जी का हरण किया है,
तो भगवान जब इसको मारेंगे रावण को, तो राजा किसे बनाएंगे? तो सोच रहा था राजा मुझे ही बनाएंगे, और ऐसा सोचने में कोई बुरी बात भी नहीं है भाई, इतना बड़ा पॉलिटिकल आदमी आपके पास क्यों आएगा जब तक उसे कुछ मिलेगा नहीं। तो सोचता हुआ आ रहा था कि राजा तो मुझे ही बनाएंगे, लेकिन जैसे ही पहुंचा, आप चमत्कार की बात देखिए, जैसे ही पहुंचा भगवान ने कोई बातचीत नहीं की, लक्ष्मण हां भैया सागर का जल लाओ। लक्ष्मण जी सागर का जल लेकर हाजिर, भगवान ने जल लिया और जल से ही उसके माथे पर तिलक कर दिया और कहा विभीषण सारी दुनिया के तीर्थों का जल सागर में है, इसलिए सारी दुनिया के तीर्थों के जल से मैंने तेरा तिलक कर दिया, आज से तू मेरी ओर से लंकेश हो गया। जाता ही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नव भई अपारा, और कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर वास्तु महारा। भगवान ने उसको हेलो विभीषण नहीं कहा, हेलो लंकेश, उसको लंकेश कहकर ही संबोधित किया। उससे पूछा कि लंकेश आपका परिवार कुशल तो है ना? आप देखिए उस आदमी की आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। उसने कहा प्रभु मेरे मन में बहुत वासनाएं थी, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही, लेकिन आपका प्रेम इतना है कि वो सब बह गई। प्रभु आपने मुझे पूरा लंका का साम्राज्य दे दिया। भगवान ने कहा ये मेरे दर्शन का फल है बेटे, तूने मेरा दर्शन किया ना, ये मेरे दर्शन का फल है, जो मेरी शरण में आता है दर्शन करता है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने बहुत छोटी सी तुच्छ भेंट तुझे दी है। कल पर नहीं डाला उन्होंने, राजनीति सीखनी हो तो उनसे सीखिए। पहले ही तिलक करने से विभीषण कंफर्म हो गया कि अब लंका का राज्य मुझे ही मिलेगा, इसलिए पूरे दिल से उसने राम जी का साथ दिया। यह राजनीति होती है। किसी के मन में कंफ्यूजन ना रहे, नहीं तो सुग्रीव के मन में भी तो आ रहा होगा कि लंका का आधा राज्य मैं ले लूं, इतना बड़ा लंका का खजाना है, सोने की लंका है, सेना तो मेरी लड़ रही है, तो दो भाई तो हैं, बाकी सब तो मेरा ही स्टाफ है, तो सुग्रीव सोच रहा होगा इनका सारा सोना मैं लूट के ले जाऊं। लेकिन भगवान ने पहले ही तय कर दिया, बोले नहीं विभीषण की एक पाई भी कोई नहीं लेगा, कल पर नहीं टालते। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि रामायण में से जो सूत्र आप अपने जीवन के लिए लेते चलें, ये पहला सूत्र मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अच्छा विचार मन में आए तो तुरंत करिए, और बुरा विचार मन में आए तो कल पर टाल दीजिए। भगवान के मन में एक बार बुरा विचार भी आया, भगवान को सुग्रीव पर क्रोध आया जब चार महीने वो भगवान के हालचाल पूछने नहीं आया, तो भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा लखन जय सायक मारा में बाली तेसरा तो मूड़ के काली, जय सायक मारा में बाली तेसरा तो मूड़ के काली, तेसरा तो मूड़ के काली, तेसरा तो मूड़ के काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उस बाण से कल सुग्रीव को मार दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कल क्यों मारेंगे, मैं अभी मार के आता हूं। भगवान ने कहा मारना होता तो मैं भी अभी मार देता, मुझे मारना नहीं सुधारना है, इसलिए डराने का काम करना है भैया, तो जाओ तुम डरा के ले आओ, भय दिखाई ले आ बहु तात सखा सुग्रीव। भगवान ने मारने के विचार को कल को घोषित किया, कल करूंगा, लेकिन जब राज्य देना था तो तुरंत दे दिया। इसलिए हमारे संत एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं, मैं चाहूंगा कि भजन आप सब लोग मेरे साथ गाएं और ताली बजाकर गाएं बड़े प्रेम से। जो कल करना सो
आज कर ले जो कल करना सो, आज कर ले जो आज करना सो अब कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होबत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होबत है। जो सोबत है सो होबत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। पंडाल में कैसे पता लगेगा कि कौन सो रहे हैं कौन जग रहे हैं? तो जो गा रहे हैं उन्हें जागा हुआ माना जाएगा, जो नहीं गा रहे हैं उन्हें तो देखते हैं कितना पंडाल जाग रहा है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो गावत है। उठे जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जा मीठी मीठी ताली, उठ नींद से अखियां खोल जरा, उठ नींद से अखियां खोल जरा, एक मिनट। आप कहेंगे हम तो अखियां खोल के ही बैठे हैं, कौन सी अखियां खोलें बताइए, कौन सी अखियां खोलेंगे हैं? हाँ, ब्रज की माताएं जब गाली देती हैं तो कहती हैं छोरे तेरे माथे की दो फूट गई, तो क्या हिये की फूट गई का? हृदय के नेत्र, ज्ञान के नेत्र, वैराग्य के नेत्र। देखिए भगवान ने भगवद गीता में एक बड़ी सुंदर बात कही कि जब संसार जागता है तो योगी सोता है, और जब संसार सोता है तो योगी जागता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संसार के जीवन में जागृति किन विषयों पर है। ये जो पूरी दुनिया फाएं फाएं करती हुई दौड़ रही है, काय के लिए दौड़ रही है? चार चीजों के लिए। मेरे साथ बोलेंगे चार चीजें कौन सी हैं? बोलिए, लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, जीवेशणा। वित्तेषणा माने धन की इच्छा से लोग दौड़ रहे हैं, लोकेशणा माने धन तो मिल गया अगर प्रतिष्ठा नहीं मिली समाज में तो भी क्या फायदा, तो प्रतिष्ठा के लिए भी दौड़ रहे हैं। तीसरा, अगर प्रतिष्ठा भी बहुत है धन भी बहुत है लेकिन अगर प्राणों पर संकट आ गया, जिंदगी नहीं मिली तो फिर सब बेकार है, तो जिंदगी के लिए भी दौड़ रहे हैं। और अगर आगे वंश नहीं है तो भी बेकार है, तो वंश के लिए भी, बच्चों के लिए भी दौड़ रहे हैं। यही चार में सब कुछ है। आप दुनिया की जितनी भी डिमांड्स हैं, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, उन सबको जरा लिस्टेड कर लीजिए तो इन चार डिपार्टमेंट्स में आ जाएंगी, लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, जीवेशणा। लेकिन जो योगी है, व्हाट इज योगी? योगी माने जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। तो जो योगी है उसको ना जीवेशणा है, ना पुत्रेशणा, ना लोकेशणा, ना वित्तेषणा। अब आप बताइए मीराबाई को इनमें से कौन सी ऐसा है? मीराबाई को तो चारों नहीं चाहिए,
चैतन्य महाप्रभु को तो चारों नहीं चाहिए, तुलसीदास जी को तो नहीं चाहिए। तो जो योगी है उसके जीवन में जागृति का विषय दूसरा है, वो जाग रहा है राम के लिए और संसार जाग रहा है काम के लिए। तो जो संसार की कामनाएं हैं चार प्रकार की, वो योगी की कामनाएं नहीं है। इसलिए कहा गया जरा जागिए। अब आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसके लिए मत जागिए, इन चार को भी जागिए और पांचवा भी जोड़ लीजिए। अपनी माया की जो गठरी है चार चीजों की, इसमें राम जी को भी जोड़ लीजिए, जरा उनके लिए भी जाग जाइए। तो ये आपको बस निवेदन किया जा रहा है, इसलिए जरा गाइए। उठ नींद से अखियां खोल जरा, उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा, यह प्रीत करण की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है, जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। जय जय सीता राम राम राम, 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 जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। राजा दशरथ ने कल पर टाल दिया, देवताओं की इमरजेंसी मीटिंग हो गई और देवताओं ने कहा अगर कल राम राजा बन गए तो फिर रावण नहीं मरेगा। अब जरा ठीक से एक मिनट ध्यान देकर सुनिएगा कि वास्तव में उस समय कैसी कंडीशंस रही होंगी। रावण माने आजकल जैसे अमेरिका की पोजीशन है, वैसे उस समय आप रावण को मान लीजिए। पूरी दुनिया में जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हैं वो सब रावण के अंडर में हैं। जैसे आप भले ही इंडिया वाले अपने आप को स्वतंत्र मानते हो, लेकिन आपके प्रधानमंत्री को प्रतिवर्ष यूएनओ की बैठक में जाना पड़ता है। हम लोग भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संधियों से समझौतों से जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कार्यालय कहां पर है भैया? अमेरिका में। आप पूछेंगे सुरक्षा परिषद कहां है तो अमेरिका, आप पूछेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ कहां है तो अमेरिका, विश्व बैंक कहां है तो अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहां है अमेरिका। पूरी दुनिया में आर्थिक नीतियां किसकी चलती हैं? अमेरिका की। मुद्रा किसकी चलती है? अमेरिका की। डॉलर सब जगह चलता है। पूरी दुनिया में सभी सरकारों के जो वित्तीय संस्थानों के प्रमुख बनते हैं
वो ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनको अमेरिका पसंद करता है। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है जब हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर ऐसे व्यक्ति बने हैं जो अमेरिका में नौकरी नहीं किए, नहीं तो अब तक जितने भी बने वो सब अमेरिका में नौकरी किए हुए। यानी उनकी कितनी गहरी पकड़ है, वो कितनी पहले से काम करते हैं, तैयारी करते हैं। उनको पता होता है कि हिंदुस्तान में कौन कौन आगे चल के पावर में आएंगे, पहले से उन पर तैयारी करना। वो दुनिया का सबसे शानदार ब्रेन खरीदते हैं, दिमाग। आपके IIM के IIT के टॉपर वो अमेरिका जाते हैं, उनको बड़ा पैकेज देते हैं। हमारे यहां तो ब्रेन की कदर भी कम है, यहां तो आपस का सामाजिक सिस्टम ही ऐसा हो गया है कि आदमी की योग्यता कम देखते हैं, उसकी जाति बिरादरी पहले देखते हैं। इसलिए योग्य बच्चे यहां काम भी नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑफिस में उनका हैरेसमेंट होता है तरह तरह से। रावण कोई सामान्य पावर नहीं है। रावण के बारे में जो रामायण में इंट्रोडक्शन है वो है, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। जितने चक्रवर्ती हैं उन सबका अध्यक्ष है। ब्रह्म सृष्टि जह लगित अनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने भी नर नारी हैं, जितने भी शरीर धारण करने वाले प्राणी हैं, वो सब रावण के अंडर में है। बहुत बड़ी पावर है रावण, कितने लंबे समय से शासन कर रहा है, काल पर भी उसका अंकुश है, बूढ़ा भी नहीं होता। ऐसे रावण के खिलाफ लड़ना है, इसलिए देवताओं ने कहा कि अगर राम राजा बन गए तब नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि समझौतों से बंधे हुए हैं, इसलिए सीट पर ना बैठे। सीट तो समझौतों से बंधी है, अगर सीट पर नहीं बैठेंगे तभी लड़ सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसा करो कि राम राजा ना बने। तो सरस्वती मां को भेजा और सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ा। तो हे भारत के लोगों, आप समझो इस बात को, ये सोने की लंका बातों से थोड़ी बनती है, ये सोने की लंका बनती है बुद्धि से, विवेक से, बल से। अभी अमेरिका ने अपने एक ड्रोन से ईरान के सैन्य के कमांडर को मार दिया। अब वो ड्रोन इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था कि कोई रडार उसको पकड़ ही नहीं सकता था, 50,000 फीट पर उड़ रहा था और वहां से मारा। अब सारे देश उस हथियार को खरीदने के इच्छुक हो गए। अब अमेरिका अपने मनमाने दामों पर उसे बेचेगा, सारे देश उसको खरीदेंगे। तो जब आप दुनिया के सबसे टॉप के वैज्ञानिक विद्यार्थियों को अपने यहां नौकरी पर देते हो तो वो दुनिया के सबसे शानदार हथियार बनाते हैं। जब आप फाइनेंस में पढ़ने वाले, MBA में पढ़ने वाले टॉपर छात्र को अपने यहां रखोगे तो वो दुनिया में सबसे शानदार फाइनेंस पॉलिसी तैयार करेगा। आज आपके सुंदर पिचाई हैं, सत्य नडेला हैं, कितने CEO हैं जो अमेरिका में करोड़, सैकड़ों करोड़ के पैकेज पा रहे हैं। उन कंपनियों को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। तो रावण गुण ग्राहक है, जो गुणी व्यक्ति है उसको सम्मान देता है, उसको पैसा देता है, उससे कहता है तू सोने के फ्लैट में रहे, तू सोने की गाड़ी में चल, तू सेवा मेरी कर। उस शक्ति से युद्ध है और उसका कितना प्रभाव है मैं आपको जरा निवेदन कर दूं। हमारे देश में स्वदेशी का आंदोलन चला बहुत तेज, तो जिन लोगों ने स्वदेशी का आंदोलन चलाया उन्हीं की सरकार के मंत्री ने सबसे पहले जिन BT बैगन के और जिन कपास के कंपनियों के संकर बीजों का विरोध कर रहे थे, उनके मंत्री ने सबसे पहले उन्हीं के ऑर्डर पर साइन किया। ये उसका प्रभाव है। यानी ऐसे बीज जिनको किसान एक फसल करने के बाद दूसरी फसल नहीं कर सकता, वो कंपनी से ही खरीदने पड़ेंगे, ऐसे बीज उनकी कंपनियां बनाती है।
उसका हमारे लोग विरोध कर रहे थे, उन्हीं के मंत्री ने सबसे पहले साइन कर दिया। तो रावण को जो मैंने थोड़ा सा आपको निवेदन किया आप समझ सकते हैं। तो सरस्वती मां ने मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ा और मंथरा ने अयोध्या में राजतिलक के अवसर पर रायता फैला दिया और वो सारी घटना आप जानते हैं। मैं आपको बस इतना सा निवेदन करूं कि आप ध्यान से देखिए, अयोध्या में अयोध्या कांड में मंथरा, बाल कांड में ताड़का और अरण्य कांड में सुपर्णखा, ये तीन ऐसी नारियां हैं जिनमें से एक को क्रोध कहा गया है, ताड़का को, मंथरा को लोभ कहा गया है, सुपर्णखा को काम कहा गया है। काम क्रोध लोभ ये तीनों जब एक महल में इकट्ठे हो गए, दशरथ जी में काम आ गया, कैकेयी में क्रोध आ गया, मंथरा में लोभ आ गया, तो सीताराम लक्ष्मण निकल के चले गए। जिसके भी जीवन में काम क्रोध लोभ जागृत होंगे, बढ़ेंगे, उसके जीवन में से ज्ञान वैराग्य और भक्ति निकलकर चले जाएंगे, ये पक्का है। सैया निकस गए मैना लड़ी थी। मंथरा ने कैकेयी को, कैकेयी दोपहर का भोजन करके लंच लेकर आराम कर रही थी, उसने झंझोड़ दिया। कैकेयी एकदम उठकर बैठी, अब इतनी वीआईपी रानी को कोई सोते से जगा दे। कैकेयी ने उठते ही पूछा, मेरा राम ठीक है ना? अब आप समझ लीजिए कि कैकेयी राम जी को कितना प्रेम करती है। कैकेयी ने उठते ही ये नहीं पूछा कि मेरा भरत कैसा है, उन्होंने पूछा मेरा राम ठीक है ना? मंथरा ने कहा राम छोड़ के कौन ठीक है, राम ही तो ठीक है। राम ही छाणी कुशल के ही आजू, जे ही जनेश दे ही जुब राजू। राम को छोड़कर कौन ठीक है, राम को तो राजा ने युवराज घोषित कर दिया है। तेरे जीवन में अंधेरा हो गया रानी, तेरा लड़का रह गया, राम युवराज हो गए, तू ठगी गई। अब राम के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू किया तो कैकेयी को इतना क्रोध आ गया, उसने मंथरा को जोर का धक्का मारा तो वहां जाके गिरी और कहा, कुबड़ी कहीं की, गरम चिमटे से तेरी जीभ खिंचवा दूंगी। राम के विरोध में बोलती है, तू जानती है राम सूर्यवंश के पुत्र हैं और सूर्यवंश की यह रीत है कि बड़ा बेटा स्वामी होता है और छोटे भाई उसकी सेवा करते हैं। अब देखिए कैकेयी कितना सुंदर बोल रही है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई, और राम तिलक जो सांचे उकाली, देव तो ही मन भावत आली। कैकेयी ने मंथरा से कहा कि अगर कल सचमुच राम का राज तिलक है तो मैं तुझे जो तू कहेगी वो इनाम दूंगी। अब चूंकि मंथरा कैकेयी के मायके से आई है, माताओं का मन वैसे भी बड़ा कोमल होता है और मायके के प्रति तो बहुत ही कोमल होता है, और चूंकि मंथरा ने ही कैकेयी का पालन किया है, मंथरा कैकेयी की मेट है बचपन से, तो पुराने जमाने में ऐसी जो विशेष केयरफुल आया होती थी उनको राजकुमारी के साथ दहेज में भेजा जाता था। मंथरा दहेज में आई है, मंथरा ने कभी भी अयोध्या का पानी नहीं पिया क्योंकि लड़की के घर का पानी पहले पीते नहीं थे और अयोध्या में इनका जन्म भी नहीं हुआ। तो सरस्वती मां का एक बार पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया कि मां आपने मंथरा की बुद्धि को ही क्यों बिगाड़ा, मां ने कहा क्योंकि उसका जन्म भी अयोध्या में नहीं और उसने जल भी अयोध्या का नहीं पिया। तो मंथरा को समझाने के लिए कैकेयी ने कहा कि अगर तेरा दिया गया समाचार सत्य है, अगर कल वास्तव में राम का राज तिलक है
तो मैं सोच रही हूं तुझे इनाम में अपनी अंगूठी दे दूं। फिर क्या कहने का, अंगूठी तो थोड़ी कम है, सोच रही हूं कंगन दे दूं। फिर मुझे कंगन भी कम लग रहा है, सोच रही हूं हार दे दूं। फिर सोच रही हूं हार की जगह सोने का तगड़ी दे दूं। और फिर मुझे लग रहा है कि वो तो इतना बड़ा समाचार है कि मैं तुझे क्या दूं, अब तू जो कहेगी वो दूं। मंथरा ने कहा देने लायक बचेगी तभी तो देगी। और इतना कहकर कैकेयी ने मंथरा को अपने पास बुला लिया। यहां यहां रो क्यों रही है, यहां बैठ यहां बैठ। बस यही कैकेयी मां से सबसे बड़ी गलती हो गई। मंथरा को पास बिठाते ही मंथरा ने ऐसी ऐसी बातें की कैकेयी से कि कैकेयी की बुद्धि को नष्ट कर दिया और कैकेयी को अपने पक्ष में ले लिया। जो कैकेयी ने किया वो मंथरा के कहने से किया। यहां जितनी माताएं बैठी हैं आप सब सोच के देखिए कि दुनिया में किसी मां को अगर सबसे बड़ी हानि हुई है तो उसमें से पहला नाम कैकेयी का आएगा। कैकेयी जो इतनी तेजस्वी और इतनी यशस्वी रानी है उसकी क्या हालत हो गई। मंथरा के कुसंग के कारण उसके माथे पर पति की मृत्यु का कलंक आ गया, राम का वनवास का कलंक आ गया, और जिस पुत्र के लिए कैकेयी ने ये सब किया उनके उसी पुत्र ने भरत ने कैकेयी से सब प्रकार के संबंध समाप्त कर दिए और कहा आज से तू मेरी मां नहीं, ये मेरा घर नहीं। और जीवन भर 14 वर्ष नहीं, होल लाइफ कैकेयी को कभी मां नहीं कहा, कैकेयी की चौखट पर कभी पैर नहीं रखा। यह सब किस कारण हुआ, कुसंग के कारण। नीच व्यक्ति के संग में अगर आप बैठेंगे तो वो अपनी वाणी से अपनी चालाकी से अपनी बातों से आपकी बुद्धि पर खराब प्रभाव करेगा। इसलिए हमारे यहां कहा गया नीच के संग में बुद्धि घटे क्रोध घटे मन के समझाए और मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित घर के जाए। नीच के संग में बुद्धि घटे। कैकेयी ने मंथरा से कहा तू ऐसा क्यों बोलती है। मंथरा मोटे मोटे आंसू बहा रही थी, उसने और जोर से रोना शुरू किया। मैं तेरा नुकसान नहीं देख सकती रानी। कैकेयी ने कहा क्या मेरा नुकसान हो रहा है मंथरा, बोल तो सही। मंथरा ने कहा रानी तुझसे बिना पूछे राजा कोई भी पॉलिटिकल निर्णय नहीं लेते थे, लेकिन आज इतना बड़ा निर्णय घोषणा कर दी दरबार में और 15 दिन से तैयारी चल रही है राज तिलक की, तुझे पता ही नहीं है। अब इसने झूठ बोल दिया, घोषणा भी हुई है, इसने कहा 15 दिन से तैयारी चल रही है। और रानी एक बात बताओ कि अगर किसी बाप के 4 बेटे हों तो क्या वो किसी फंक्शन में अपने 4 बच्चों को शामिल नहीं करेगा, आप ही बताइए। फिर राजा को ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि 2 बेटे उनके विदेश में हैं, ननिहाल में हैं, और वो कल ही तिलक करना चाहते, कौन इमरजेंसी। रानी को बात समझ में आई दाल में काला है। फिर मंत्रा ने सौतों की कहानियां शुरू की, जानती हो रानी ये सब सौतों का है, आपकी सौत बिल्कुल नहीं चाहती कि आपका वर्चस्व बढ़े, सत्ता में आपकी चले, इसलिए आपकी सौतों ने आपको किनारे करने के लिए राम को राजतिलक करवा दिया है। अब कौशल्या राजमाता बनेंगी और आप बिल्कुल उपेक्षित हो जाएंगे। और उसके बाद सौतों की इतनी खराब खराब कहानियां सुनाई। अच्छा सौतों का तो आतंक है ही है। अब देखिए हमारे देश में ये जो देव और दानवों का जो संग्राम है, अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं तो आपको आश्चर्य होगा, देवता और दानव एक ही बाप के बेटे हैं, कश्यप ऋषि के दोनों पुत्र हैं। एक कश्यप ऋषि की बहुत बड़ी धरती है,
ये जो रूस का कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर, ये कश्यप के नाम पर ही तो है। उसका नाम रशिया इसीलिए है कि वो ऋषियों की भूमि है, और कश्यप ऋषि का जो पर्वत है वो कश्मीर है, कश्यप मेरु। जैसे अजमेरु ब्रह्मा जी का पर्वत अजमेर माना जाता है, वहीं पर पुष्कर का सरोवर है ब्रह्मा जी का, तो कश्यप ऋषि का कश्मीर है। तो कश्मीर के लोगों के जो रूप रंग हैं वही बिल्कुल रूस के लोगों के हैं, एक जैसे ही है। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। तो दिति के बेटे दानव कहलाए और अदिति के बेटे देवता कहलाए, इसलिए सूर्य को दिति का पुत्र, अदिति का पुत्र होने के नाते आदित्य बोलते हैं, ओम आदित्याय नमः, क्योंकि सूर्य अदिति के पुत्र है। कश्यप ऋषि की दोनों पत्नियां आपस में एक दूसरे से लड़ाई होने के कारण दोनों के बच्चे आज तक लड़ते हैं। दैत्यगुरु शुक्राचार्य की बेटी ने, देवयानी ने, दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री अपनी सहेली को, शर्मिष्ठा को इतने भयंकर कष्ट दिए सौतिया डाह में, जिनके पुत्रों को तारने के लिए गंगा जी आई। महाराज सगर, महाराज सगर जब मां के गर्भ में थे तो रघुवंश की एक रानी के गर्भ में वो आए, बाकी रानियों को इतनी ईर्ष्या हो गई कि उन्होंने उस रानी के बच्चे को मारने के लिए उस रानी को जहर दे दिया, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने अपनी दवाइयों से उस रानी को बचा लिया। तो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके सिर पर जहर का निशान था, इसलिए उस बच्चे का नाम ही सगर रखा गया। सगर माने सगरल, जो गरल को लेकर आया, जहर को लेकर आया। ये सौतों की कहानी आपसे नहीं है, अब तो खैर बहुत अच्छा है, हिंदू कोर्ट बिल में आप एक ही विवाह कर सकते हैं, नहीं तो पुराने जमाने की माताएं सौतों से बहुत डरती थी। अब तो सौत नहीं होती, क्यों भाई साहब? मेरठ वाले इलाके में तो नहीं होती होंगी, लेकिन पुराने जमाने में जब ये हिंदू कोर्ट बिल नहीं आया था, माताएं वैसे तो सिंह वाहिनी होती हैं, दुर्गा का रूप होती हैं, बड़े बड़े सिंह घर में आके, लेकिन वो अगर डरती हैं दुनिया में किसी से तो सौत से डरती हैं। और जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था तब उस समय एक गाना बहुत हिट था, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, और मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो ये जो गाना था ये बहुत ही हिट था उस समय। तो उसमें पत्नी मायके जाने की धमकी देती थी, पति उसको समझाता था कि तू मत जा, मैं तेरे लिए गाड़ी लाऊं, मैं तेरे लिए ये लाऊं वो लाऊं। जब नहीं मानी तो उसने फिर अंत में एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उसने धमकी दी, तू मायके चली जाएगी तो दूजा ब्याह रचाऊंगा और तेरी सौतन लाऊंगा। बस गाने के बोल चेंज हो गए, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी। अब ये पुरानी बात है, वर्तमान में अगर कोई पति इस बात को सुन रहे हो तो कतई ये ब्रह्मास्त्र न छोड़े, नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा। सौतों में मंथरा इतनी सौतों की कहानियां सुना रही हैं कि कह कहीं कांपने लगी। हमारे ब्रज में एक कहावत चलती है सौतों के ऊपर, सौत बुरी है चून की, चून माने आटा। मैंने एक बहुत बड़े विद्वान से पूछा कि कहावत कैसे बनी भाई, हर कहावत के बनने के पीछे कोई कथा होती है। उन्होंने कहा कि एक सज्जन की दो पत्नियां थी, दोनों में बड़ी भयंकर लड़ाई होती थी। उन्होंने कहा कि देखो देवी के नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्रों में पूजा शांति से होनी चाहिए, तो एक समझौता कर लो कि एक नवरात्र में एक पत्नी मायके जाएगी, दूसरे में दूसरी पत्नी मायके जाएगी, तो दोनों का समझौता भी ठीक चल जाएगा और लड़ाई भी नहीं होगी। अब एक पत्नी मायके चली गई तो दूसरी ने, जब वो चली गई तो उसके जाने के बाद पूरे दिन उनको गालियां दी, दिन भर कोसती रही बात बात पे। और शाम को जब रोटी बनाने बैठी तो इसने आटे की एक मोटी सी लोई तोड़ी, उसकी एक सौत बनाई,
जैसे माताएं अपने बच्चों के लिए आटे की लोई का बना देती थी पहले, चिड़िया चूहा वगैरह, और सौत बना के चकले पे रखा और बेलन उठा के भाई साहब उसकी इतनी पिटाई की, कभी टांग तोड़े, कभी घुटने तोड़े, कभी टखने तोड़े, फिर भी इसका मन नहीं माना। इसने कहा ला सौत, आज मैं तुझमें नमक मिर्च भरूंगी। अब पुराने जमाने में पिसा हुआ नमक तो होता नहीं था, मोटा वाला कंकड़ वाला नमक, वो भरा, मिर्च भरी, फिर कहा ला सौत, आज मैं तेरा अंतिम संस्कार ही कर देती हूं। तो चूल्हे पहले गैस के तो थे नहीं, लकड़ी के चूल्हे थे, तो उसमें सौत लगा दी। अब उसे आंखें फाड़ के देख रही थी लकड़ी के संग कैसे, अब वो जब इसने आंखें फाड़ के देखा तो उसमें से एक नमक की डली कड़की और इसकी आंख में घुस गई, एक आंख फूट गई, उसी समय कानी हो गई और उसी समय कहावत बन गई, सौत बुरी है चून की। अभी नमक की डली कड़क के आंख में घुसी, अब बची गए आप। आइए आइए, राम राम भाई। हमारे मित्र हैं श्री अरविंद ओझा जी, और आप श्री हनुमान जी की कथा के बहुत अच्छे कथा व्यास हैं, आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। आदरणीय सुरेश जी भाई साहब हैं, आप भी पिलखुआ से पधारे हैं, अभी 18 मार्च से वहां कथा है, और पिलखुआ और उसके आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा के बहुत सुंदर प्रकल्प आप चलाते हैं ग्राम शिक्षा समिति के नाते, आपका स्वागत। तो वो जो नमक की डली थी वो कड़क के आंख में घुसी और आंख फूट गई, तो उसी दिन से कहावत बनी सौत बुरी है चून की। आटे की सौत भी जब काना कर सकती तो सचमुच की क्या करेगी। तो मंथरा घबरा गई और मंथरा की बात सुन के कैकेयी ने कहा कि आज से आप मेरी गुरु और मैं आपकी चेली, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। ये आवाज को सुन लो, ध्यान से ठीक करो, थोड़ी इको ज्यादा हो रही है। यहां से मंथरा ने कहा कैकेयी से कि अगर तू मेरी बात मानेगी तो तू राजमाता बनेगी, और तेरे जो दुश्मन हैं वो सब जेल जाएंगे, बस तू मेरी बात मान। राजा पर तेरे दो वचन हैं, वो दोनों मांग ले, एक में भरत का तिलक, दूसरे में राम का वनवास। लेकिन उसके लिए ऐसे नहीं मांगना सिल्क की साड़ी पहन के, उसके लिए पूरा नाटक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले उसके लिए कोप भवन में जाना पड़ेगा, ये सिल्क की साड़ी बदल के काली धोती पहननी पड़ेगी, आभूषण जमीन पर बखेरने पड़ेंगे। कैकेयी ने कहा जो कहोगी वो करूंगी। तो कैकेयी कोप भवन में चली गई। अब आप मेरठ में इतनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, इतने बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन आपने किसी भी घर में कोप भवन नहीं देखा होगा, किसी भी कमरे का नाम कोप भवन नहीं होता। लेकिन राजा दशरथ के महल में एक भवन है जिसका नाम है कोप भवन। देखिए वास्तुकला की विशेषता देखिए कि राजा दशरथ के महल में एक कोप भवन है, क्योंकि उनका पूरा घर मंगल भवन है। अच्छा आप बताइए, अगर आपके घर में किसी को क्रोध आएगा तो कहां करेगा, आप खुद सोचिए। आपके घर में हर चीज के लिए एक स्पेशल जगह बनी हुई है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, रसोई है, स्टोर है, शौचालय है, बाथरूम है, सब है, गुस्सा कहां करेंगे। अब यह हो सकता है कि यहां मेरठ में किसी को गुस्सा ना आता हो, लेकिन अगर आएगा तो कहां करेंगे। हमारे यहां ब्रज की माताओं को जब गुस्सा आता है तो वो रोटी भी बनाती जाएंगी और बोलती भी जाएंगी, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना ब्रज भाषा में
मेरी सुनते ही ना, मैंने कहा अब अगर रसोई में किसी को गुस्सा आता है तो आप समझ लीजिए कि वो उसके खाने का रस बिगड़ गया। क्योंकि आयुर्वेद में भावना का महत्व है, वो गुस्से का प्रभाव भोजन पर जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि रसोई में क्रोध ना करें और अपने सोने के कमरे में तो बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर उसमें क्रोध के परमाणु फैल गए, वायरस फैल गए, तो आपका जो सोना है, आपकी जो नींद है, अगर वो टेंशन युक्त हो गई तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां बढ़ेंगी। इसलिए राजा दशरथ से सीखना चाहिए। और ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आप कोप भवन बनाए, चूंकि अब इतना बजट तो सबके पास नहीं है, लेकिन आप एक स्टूल या एक कुर्सी को किसी अच्छे कोने में रखें और उस पर लिखें कोप कुर्सी, और उसे ऐसी जगह रखें जहां पंखा वंखा लगा हो तो गुस्सा करने वाला जल्दी ठंडा हो जाए। और घर में नियम बना लें कि भाई किसी को भी क्रोध आता है तो इस कुर्सी पर बैठ जाए। पूरे घर में क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्रोध को भी मैनेज कर दीजिए और उसको एक पॉइंट दे दीजिए और वहां तुलसी का गमला वगैरह कुछ रख दीजिए, जिससे कि क्रोध के जो परमाणु है उनका रेडिएशन भी खत्म हो जाए। राजा दशरथ आए, रानी कोप भवन में है, थोड़े घबराए, लेकिन फिर उन्होंने रानी को मनाने की कोशिश की और बड़े प्रेम से पूछा के ही हे तू रानी रिसानी परसत, हे रानी किस कारण से कोप भवन में हो। इतना पूछते ही रानी ने जोर से उनके हाथ को अलग किया, तो राजा समझ गए कि इस समय वोल्टेज हाई है। तो राजा ने अपनी पत्नी को प्रसन्न करने को कहा कि रानी जिस राजा से कहो राज्य छीन लूं, जिस भिखारी को कहो नया राजा बना दूं। अब ये चक्रवर्ती सम्राट हैं, ध्यान रखिए, चक्रवर्ती का मतलब है जिसके अंडर में कम से कम 100 राजा होते हैं। तो उन्होंने कहा कहो के ही रंग कही करो नरेसु, कहो के ही नृप ही निकासो देसु। उसके बाद भी रानी प्रसन्न नहीं हुई तो उन्होंने कहा मैं तेरे लिए किसी को भी मार सकता हूं, अगर तू किसी देवता से भी नाराज है तो मैं देवता को भी मार दूंगा। अभी जरा ज्यादा हो गई, सकऊ तोरी अरे अमरऊ मारी, अब देवताओं को कौन मार सकता है, लेकिन ये कह रहे मैं तेरे लिए देवताओं को मार दूंगा, अब मनुष्य तो मेरे लिए किसी गिनती में नहीं है। रानी समझ गई कि अब राजा मेरे वश में आ रहे हैं। उन्होंने कहा आप मीठी मीठी बातें करते हैं, लेते देते कभी नहीं है, मेरे दो वरदान आपने आज तक नहीं दिए। राजा ने कहा चार मांग लो। रानी ने कहा भरोसा नहीं। तब राजा ने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाही पर वचन न जाई। ये चौपाई तो आप सबको भी याद है, एक बार गाएंगे रघुकुल बहुत सुंदर, यह अद्भुत कुल है। रानी ने कहा मुझे भरोसा नहीं है, मंथरा ने पहले ही समझा दिया था जब तक राजा राम की कसम ना खा ले तब तक नहीं मांगना। राजा ने राम की सौगंध खाई और तब मंथरा ने वरदान मांगे रानी कैकेयी ने। और आप जानते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होए हसाए। रानी ने दोनों वरदान मांग लिए, अब राजा पछता रहे। रानी से उन्होंने कहा रानी पूरी दुनिया तो राम को साधु कहती है, उसकी मां उससे कैसे नाराज हो गई। रानी ने कहा नाराज नहीं हूं, राम साधु हैं, साधु को वन में रहना चाहिए इसलिए वन में भेज रही हूं, आप ही तो कह रहे हैं राम साधु हैं। आप क्या सोच रहे थे मैं आपसे चने मांगूंगी खाने को, क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं, क्या भरत आपका बेटा नहीं है। राजा ने बहुत समझाने की कोशिश की, जब नहीं मानी तब जो समझदार लोग होते हैं
अगर वो सारा का सारा नुकसान हो रहा हो तो आधा बचाने की कोशिश करते हैं। राजा ने कहा, रानी मैं भरत को कल सुबह ही राजा घोषित कर दूंगा, लेकिन राम को तो वन मत भेजो, राम को रहने दो, नहीं तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, हम बूढ़े होकर महल में रहेंगे और हमारे बच्चे वन में रहेंगे। सोच के देखो, बहुत समझाए, कोशिश की। रानी ने कहा, अगर कल सवेरा होते ही राम वन नहीं गए तो मैं महल की छत से कूदकर आत्महत्या करूंगी और पूरी दुनिया में रघुवंश की नाक कट जाएगी। होत प्रात मुनिवेश धर जौन राम बन जाही तो मोर मरण राव रजस नृप समुझिय मन माए। उसके बाद तो राजा ने कहा कि तेरे सिर पर पिशाच बैठ गया है, अब मेरे प्राण लेकर जाएगा, राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। रानी नहीं मानी तो अपना सिर दीवार में देकर मारा, राजा बेहोश हो गए। और सवेरे राम जी ने आकर अपने पिताजी की स्थिति देखी तो कैकेयी वहीं बैठी थी, अपनी मां से पूछा, मां पिताजी की इस स्थिति का कारण क्या है? और आप समझिए कि उन्होंने कोई संकोच नहीं किया, बिल्कुल कठोर मन से जो भी घटना हुई वो राम जी को सच सच बताया। सुनो राम, कैकेयी बोल रही है, सुनहु राम सब कारण एहु, राज ही तुम पर अधिक स्नेहु। किसी भी पिता को अपने पुत्रों में भेदभाव नहीं करना चाहिए राम, तुम्हारे पिता ने भेदभाव किया, आपको अधिक प्रेम किया, इसलिए इनकी यह दशा हुई है। मैंने इनसे वर मांगा भरत के राज तिलक का और तब से इनकी हाल, इनको समझाओ कि क्षत्रिय को राज्य से मोह नहीं होना चाहिए, अपने वचन का पालन करना चाहिए। मैं पूरे पंडाल के भक्तों से निवेदन करूंगा कि एक सेकंड को आप भगवान राम के चेहरे का ध्यान करें और जरा सोचें कि अगर यह परिस्थिति आपके जीवन में आती तो आपके चेहरे पर कैसी भावना आती, आपका चेहरा कैसे रिएक्ट करता। अभी उनका राजतिलक होने वाला है, रात उनको सूचना दी गई है, गुरुजी रात घर आए थे और गुरुजी ने कहा था, बेटे आज जमीन पर सोना, सब प्रकार का संयम करना, कल सवेरे आपका राजतिलक है। अब सवेरे जिसको राजतिलक पर जाना है उसको सुबह ही सुबह मां सूचना दे रही हैं, अभी सुबह के 5 बजे हैं, अभी सूरज नहीं निकला है और मां कह रही है, बेटे तुम्हें वन जाना है। आप सोचिए, लेकिन राम मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आई और उन्होंने अपनी मां को इसके लिए धन्यवाद दिया, मां आप जानती हैं आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। जरा उन्होंने जो बोला वो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ दोहराएं। उन्होंने क्या बोला, मुनिगण मिलन विशेष हित, सब ही भांति भल मोर, तेहि मैं पितु आय सुबहुरी, सम्मत जननी तोर। भगवान ने कहा कि मैं बचपन में 2 ऋषियों के साथ रहा मां, उनसे मैंने कितना सीखा है तो मैं जानता हूं। अब मैं सोचता था कि जो और ऋषि बचे हैं मैं उनके साथ भी रहूं, भरद्वाज जी के साथ रहूं, वाल्मीकि जी के साथ रहूं, अगस्त जी के साथ रहूं, अत्रि जी के साथ रहूं, लेकिन मैं राजा बन जाता तो फिर मुझे अवसर ना मिलता, क्योंकि राजा बनता तो मैं प्रामाणिक राजा होता, 24 घंटे जनता की सेवा में होता। अभी जो तूने मुझे 14 वर्ष का अवसर दिया है मां, ये तो मेरे लिए वरदान है। अब मैं 14 वर्ष देश के ऋषियों के साथ रहूंगा और उनसे कितना प्राप्त करूंगा ये तो मैं ही जानता हूं मां, मेरे जीवन पर कितना बड़ा उपकार हुआ।
मुनिगन मिलन विशेष हित सबही भांति बल मोर, सब प्रकार से मेरा भला। सिंहासन तो थोड़े से पुण्य करने से प्राप्त हो जाता है मां, लेकिन ऋषियों का साथ तो बहुत बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। भगवान कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, उनके चेहरे को आप देखिए, उनको ध्यान करिए। हम सब राम जी के भक्त हैं, छोटी छोटी बातों से अपने चेहरे को मत बिगड़ने दीजिए। अगर कोई ऐसी परिस्थिति भी आ रही है जो बिल्कुल प्रतिकूल है, तो भी मुस्कुराकर उसका स्वागत करिए। भगवान शिव विष पीते हुए भी मुस्कुराते हैं, प्रसन्नानंदम नीलकंठम दयालम। भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि भगवान राम की इस छवि को प्रणाम करने के लिए हम सब अपने आसन पर खड़े होकर एक भजन गाएं। सबसे निवेदन है कि एक बार खड़े हो जाएं, और जो खड़े होने में जिनको प्रॉब्लम है वो भले ही बैठे रहे, लेकिन जरा खड़े हो जाएं और खड़े होकर एक भजन मेरे साथ गाएं। ये भजन बहुत प्यारा है और आप इसको गुनगुनाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। ए राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। कर जिए या हंस कर जीते हैं जिंदगानी, रोकर जिए या हंस कर जीते हैं जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। ए राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हो हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी
तेरी तरफ नजर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, तेरी तरफ नजर है, किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, एक किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सब लोग प्रेम से बैठते जाइए और गाते जाइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा भगवान श्री राम कैकेयी मां को धन्यवाद दिए, अपने पिताजी के पैर छुए और वन को जा रहे हैं। एक भी प्रश्न उन्होंने कैकेयी मां से नहीं पूछा, एक भी प्रश्न उन्होंने राजा दशरथ से नहीं पूछा। उनके बारे में भारत के एक बहुत अच्छे कवि ने कहा कि राम बन गए तो बन गए। क्या कहा? एक लाइन कितनी प्यारी है, राम बन गए तो बन गए। अगर राम क्वेश्चन कर देते, अगर राम तर्क कर देते, अगर ये पूछ लेते कि पिताजी मेरा कारण क्या है, मेरी गलती क्या है, तो फिर रामायण ना बनती। उन्होंने हमको सिखाया कि मात पिता गुरु प्रभु के बाणी बिन ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी पर विचार नहीं करते, उसका फल हमेशा शुभ होगा। उस समय लोगों को लगा कि इनका वन हुआ, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो दुनिया जानती है। अगर मान लीजिए जबरदस्ती राजा बन भी गए तो कितने बड़े राजा बनते? पूर्वी उत्तर प्रदेश, अयोध्या का साम्राज्य कितना बड़ा है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, उधर गोरखपुर, उधर बनारस, इधर कानपुर, इधर बहराइच।
लेकिन अगर वो चले गए तो उनकी मां का आशीर्वाद उनको फला। यहां से सीधे कौशल्या मां के चरणों में चले। अब आप भगवान श्री राम के साथ रहिए उनके चरणों में। आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आज हम भगवान श्री राम के साथ चित्रकूट की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए जरा ध्यान से चलिएगा, एक एक पात्र को ध्यान से देखिएगा। और ये एक एक पात्र हमारे जीवन को बहुत सारी संपदा से भरेगा। हमको अपने जीवन के लिए बड़े कीमती कीमती सूत्र प्राप्त होंगे। कौशल्या मां को सारी बात सुमंत्र के बेटे ने बताई। भगवान श्री राम ने क्या कहा जानते हैं? जब मां ने कहा कि बेटा अभी तक नहाए क्यों नहीं, तुम्हारा तिलक होगा, बहुत लंबी पूजा होगी, तुमको बहुत लंबी पूजा करनी है, कुछ खा लो। मां को तो सबसे ज्यादा चिंता बेटे के खाने की होती है, इनने कुछ खाया कि नहीं खाया। पुरानी कहावत है कि बिन भादों के बरसे और बिन मैया के परसे। भादों नहीं बरसता तो जमीन का पेट नहीं भरता, मां नहीं परसती तो बेटे का पेट नहीं भरता। तो भगवान ने कहा मां मेरा तो तिलक हो गया। मां ने कहा कैसी बातें कर रहा है बेटे, तेरे पिताजी का तिलक हुआ था तो मैंने देखा था, 10 घंटे तक पूजा हुई थी, तमाम दुनिया की नदियों के तमाम तीर्थों के जलों से स्नान अभिषेक कितनी प्रक्रियाएं होती हैं। भगवान ने कहा मां मेरा तिलक हो गया, पिताजी ने मुझे बुलाकर कहा सुबह कि छोटी सी अयोध्या का राजा बन के क्या करेगा बेटे, मैं तुझे सारी दुनिया के जंगलों का साम्राज्य सौंपता हूं। बात को कहने का तरीका देखिए। इसलिए परशुराम जी जब कल उनकी जय बोल रहे थे तो एक जय उन्होंने इसलिए बोली कि राम तुमसे मीठे वचन कोई नहीं बोलता दुनिया में, वचनों की रचना तुम इतनी मीठी करते हो राम, जयति वचन रचना अति नागर। भगवान कह रहे हैं पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया मां, लेकिन सुमंत्र के बेटे ने जब सारी बात बताई तो कौशल्या मां बहुत रोई। अब आप सभी माताएं इस बात को जानती हैं कि इकलौता बेटा, उसके लिए मां ने रात भर तैयारी की कि मेरे बेटे को खाने में ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, ये बनाऊंगी, ऐसे कर ये खिलाऊंगी। और सूर्योदय होते ही समाचार मिल गया कि मेरा बेटा बन जा रहा है। लेकिन एक शब्द भी कौशल्या मां ने कैकेयी के खिलाफ नहीं बोला, ना राजा दशरथ के खिलाफ बोला। इसलिए कौशल्या को रामचरितमानस में ज्ञान की शक्ति कहा है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। कौशल्या ज्ञान है, कैकेयी कर्म है, सुमित्रा भक्ति है और राजा दशरथ चारों वेदों के प्रतीक हैं। लेकिन ज्ञान कैसा होता है? ज्ञानी जो होता है वो कभी भी अपनी परिस्थिति के लिए दूसरे को दोष नहीं देता, और अगर दूसरे को दोष दे रहा है तो वो ज्ञानी नहीं है। कौशल्या मां ने कहा राम धर्म के शास्त्रों में मां का अधिकार पुत्र के ऊपर पिता से 100 गुना अधिक होता है। राम अगर तुम्हारे पिता तुमको वनवास की आज्ञा दिए होते तो मैं रोक लेती, क्योंकि मां का अधिकार अधिक है। लेकिन चूंकि कैकेयी मां ने कहा है बेटे, और कैकेयी और कौशल्या में कोई अंतर नहीं है, जो पितुमात कहे बन जाना तो कानन शत अवध समाना। अगर कैकेयी की इच्छा है तो तुम बन जाओ, और मेरा आशीर्वाद है बेटे कि ये 14 साल का वनवास तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्याओं के साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य बनेगा।
कौशल्या माँ ने आशीर्वाद दिया। आप सोचिए बना कि नहीं बना। अगर राम उस समय रुक गए होते तो केवल अयोध्या के राजा बनते, लेकिन वो गए तो जब वो लौटकर आए तो तीनों लोकों के सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के सबसे बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। ये मां का आशीर्वाद है। रोई बहुत लेकिन रोका नहीं। हमारे देश की ऐसी दिव्य माताएं जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे दिव्य संस्कार दिए, भले ही उनके बच्चों ने कष्ट भोगा लेकिन उन्होंने आदर्शों से नहीं डिगने दिया। इसी हस्तनापुर की भूमि पर दो माताओं की कथा दुनिया जानती है, एक गांधारी है और एक कुंती है। गांधारी बहुत बड़ी पतिव्रता है, पति अंधे हैं तो वो भी आंखों पर पट्टी बांधती है। हालांकि ये उचित नहीं है। अगर कोई नारी पतिव्रता है तो वो पति का आधा अंग है, आधा उसका पति है आधा उसकी पत्नी है। हमारे देश में पति और पत्नी अर्धनारीश्वर है। अगर पति के पास आंखें नहीं है तो मैं उसकी आंखें बन जाऊं, अगर पति अंधे थे तो तू उसकी आंखें बन जाती। अब तूने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली तो फिर बच्चों को तो शकुनी जैसे लोग बिगाड़ ही देंगे ना। जब मां बाप दोनों ही आंखों पे पट्टी बांध लेंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे? आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं और मन में कितना जहर है। आप जानते हैं कि उस समय क्षत्रियों में यह परंपरा है कि बड़ा बेटा राजा बनेगा, बड़े धृतराष्ट्र हैं, राजा उनको होना चाहिए। लेकिन चूंकि धृतराष्ट्र अंधे हैं और शास्त्र में नियम है कि अंधा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो कहेगा कुछ भी दुर्घटना हो जाए तो वो कहेगा मैंने तो देखा नहीं। तो जो जिम्मेदारी नहीं ले सकता, जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो राजा नहीं हो सकता। इसलिए भीष्म पितामह ने और विदुर ने धृतराष्ट्र का तिलक नहीं होने दिया। धृतराष्ट्र के पेट में बहुत खलबली हुई। कई बार जो लोग होते हैं वो भगवान की इच्छा को भी स्वीकार नहीं करते। भाई तुझे अगर राजा ही बनाना होता तो भगवान तुझे अंधा क्यों बनाते? ये सोचने की बात है। तुझे अंधा बनाया इसका मतलब तुझे राजा बनाना नहीं चाहते। लेकिन धृतराष्ट्र के पेट में बहुत मलाल है इस बात का। गांधारी के पेट में भी बहुत मलाल है कि मेरा पति राजा नहीं बना, वो नंबर दो पर है। अब ये ऐसी कथा है जो हम सबको स्वयं भी समझने की आवश्यकता है, अपनी अगली पीढ़ी को भी समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम हस्तिनापुर साम्राज्य के ही लोग हैं। पांडु राजा हो गए, लेकिन पांडु को राजा होने के बाद एक प्रॉब्लम हो गई, या तो उनको खाने में कोई ऐसी चीज दे दी गई होगी या कुछ उनको लीवर की प्रॉब्लम हो गई, लीवर सोराइसिस हो गया, परमानेंट ज्वाइंटिस की बीमारी हो गई। उनका नाम ही पांडु हो गया। पांडु माने जिसको हमेशा पीलिया रहता हो। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप यहां का पानी पियेंगे हस्तिनापुर का तो आपको सूट नहीं करता, तो कहीं 200-400 किलोमीटर दूर जंगल बताया वहां का पानी। पांडु वहां चले गए और अपना जो साइन अथॉरिटी है एज ए कस्टोडियन वो धृतराष्ट्र को देकर गए। तो धृतराष्ट्र को लगा कि अब हम कार्यवाहक राजा हो गए, अब एक राजा राजधानी में है एक राजा जंगल में है, और दोनों की पत्नियां एक ही समय की गर्भवती हैं। अब दोनों के समर्थक आपस में लड़ रहे हैं राजधानी में, दोनों के गुट हैं कि अगला राजा किसका बेटा बनेगा, युवराज कौन होगा। युवराज के ऊपर झगड़ा है। उस समय तो वंशवाद ही था, वंशज ही बनते थे। तो भीष्म पितामह ने कहा भाई लड़ने की जरूरत नहीं, जिसके पहले होगा उसको युवराज बना देंगे। मान लो धृतराष्ट्र का बेटा पहले हो गया तो उसे युवराज बना देंगे, पांडु का पहले हो गया तो उसे बना देंगे। तो इस बात पे समझौता हो गया। अब जंगल में सबसे पहले पांडु के बेटा हो गया, युधिष्ठिर हो गए।
पांडु के बेटे का समाचार लेकर जब मंत्री लोग राजधानी में आए तो राजधानी में दीपावली मनाई गई, पूरी राजधानी में मिठाइयां बटी, क्योंकि जनता पांडु को चाहती थी। लेकिन आप जानते हैं गांधारी ने क्या किया, यह सभी के सुनने लायक बात है। गांधारी ने अपने कमरे में जाकर अपने पेट पर इतने घूंसे मारे कि उसके पेट का बच्चा मर गया। गांधारी को इतना क्रोध आ गया अपने गर्भ के बच्चे पर कि तू पैदा क्यों नहीं हुआ, तेरा बाप भी जिंदगी भर नंबर दो पर रहा, तू भी नंबर दो पर रहेगा, मैं नंबर दो वाले की पत्नी तो बन गई लेकिन नंबर दो वाले की मां नहीं बनूंगी, मैं सम्राट की मां बनूंगी। और उसने गुस्से में इतने घूंसे बरसाए कि वो मर गया। वो तो व्यास जी उस समय आ गए, व्यास जी चूंकि आयुर्वेद के बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने ऐसी औषधियां दी कि वो गर्भ की सफाई हुई नहीं तो गांधारी भी मर जाती इंफेक्शन से। और वो जो पिंड निकले उस पिंडों से टिश्यूज लेकर टेस्ट ट्यूब बेबी की पद्धति से 100 घड़ों में उनको स्थापित किया और उस एक गर्भ के बच्चे से उसके टिश्यूज से 100 बच्चे बने जिनको आप कौरवों के नाम से जानते हैं। तो दुर्योधन को युधिष्ठिर कभी दुर्योधन नहीं बोले, युधिष्ठिर हमेशा उसको सुयोधन बोले, क्योंकि वो जानते थे कि ये बच्चे का मन अगर खराब है तो इसमें इसका दोष नहीं है, इसकी मां का मन जहरीला है, इसके पिता का मन जहरीला है, इसलिए इसका मन जहरीला है। हमारे बच्चे हमारे मन से तो सीखते हैं, मां ही बच्चे की सदगुरु होती है। गांधारी ने शुरू से ही अपने बच्चों के मन में जहर भरा। और कभी मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार अपने बच्चों को दिखा के जरूर लाइए, हस्तिनापुर दिखा के लाइए। अब हस्तिनापुर में जो अष्टापद नाम का तीर्थ बना है उसके बिल्कुल बगल से टीला है, टीला, और टीले के साइड से ही रोड जाती है। उस रोड पर आप अंदर जाएंगे तो आगे पांडवेश्वर महादेव का मंदिर है। पहले बड़ा शिवलिंग रहा, बीच में आक्रमणकारियों ने मुगलों के जमाने में तोड़ा, अब वो टूटा हुआ शिवलिंग वहां पर है, लेकिन अद्भुत है वो। आज भी वो टीला हस्तिनापुर के वैभव की कहानी कह रहा है। अपने बच्चों को कभी पुरा महादेव के पास बरनावा लेके जाइए, बरनावत जहां लाक्षाग्रह था वहां सुंदर गुरुकुल चलता है वेद का, और वो गुफा आज भी है जिसमें से होके पांडवों को विदुर ने निकलने का रास्ता बनाया था। कुंती अपने बेटों को लेकर भागी थी, चूंकि युधिष्ठिर को जब राज तिलक किया गया युवराज के पद पर तो शकुनी ने धमकी दी कि भीष्म पितामह को कि अगर आप युधिष्ठिर को युवराज बनाएंगे तो मैं राजनीति की आखिरी चाल चलूंगा, राजनीति की आखिरी चाल माने निपटा दूंगा इनको। उसने निपटाने की योजना बना ली, लाक्षाग्रह में आग लगवा दी, क्योंकि पुरा महादेव की इतनी मान्यता थी कि जो भी हस्तिनापुर का युवराज बनेगा वो परंपरा थी कि वो पहले पुरा महादेव का पूजन करने जाएगा। वहां पांडव पूजन करने गए। तो ये जो आपके आसपास के स्थान है, आपका गढ़ मुक्तेश्वर है, आपका किला परीक्षित गढ़ है, आपका हस्तिनापुर है, आपका पुरा है, बर्णवत है, संडे की छुट्टी रहती है, अब एग्जाम पूरे हो जाएंगे मार्च के महीने में, अपने बच्चों के साथ एक एक संडे एक एक जगह का जरा देखिए घूमिए और उनको ये बताइए कि कुंती ने अपने बच्चों को बेईमानी नहीं सिखाई। कुंती ने अपने बच्चों को जिंदगी भर जो संस्कार दिए, गांधारी के बच्चों ने कोशिश की और बेईमानी से कुछ दिन राज्य भोगा, लेकिन अंत में गांधारी के सामने, धृतराष्ट्र के सामने उनके 100 पुत्रों के परिवार नष्ट हुए और कुंती का बेटा इसी हस्तिनापुर की धरती पर पूरे भारतवर्ष का नहीं पूरी पृथ्वी का धर्मराज घोषित हुआ। कुंती का कितना बड़ा दिल है कि पांडु की जब मृत्यु हुई तो कुंती ने कहा मैं सती होंगी, माद्री ने कहा नहीं दीदी मैं सती होंगी। पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री।
कुंती ने कहा नहीं मैं बड़ी हूं मैं सती होंगी। माद्री ने कहा नहीं गलती मेरी थी इसलिए मैं सती होंगी। कुंती ने कहा मेरी आज्ञा है। माद्री ने कहा नहीं दीदी एक बात समझ लीजिए मैं इसलिए जिद कर रही हूं कि मेरा मन उतना बड़ा नहीं है। 5 बच्चे हैं 2 मेरे हैं 3 आपके हैं। मैंने छुप छुप के देखा है आपको। आपने कभी मेरे और अपने बच्चों में भेद नहीं किया है। आप दोनों को बराबर लाड़ करती है लेकिन मेरा मन इतना बड़ा नहीं है दीदी मैं अपने मन को जानती हूं इसलिए आप रहेंगी तो बच्चों का पालन अच्छी तरह हो जाएगा। माद्री सती हो गई और कुंती कितने बड़े मन की मां है यह उसके पुत्र के संस्कारों से पता लगता है कि आप सबने यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद सुना है जिस समय वनवास के काल में सरोवर में जल लेने पर यक्ष ने मना किया। भीम नहीं माने तो भीम गिर गए अर्जुन नहीं माने तो अर्जुन गिर गए सब बेहोश होते गए ऐसे हो गए जैसे मर गए हों। युधिष्ठिर आए तो यक्ष ने कहा सावधान धर्मराज अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो आप भी मारेंगे। युधिष्ठिर ने कहा मैं उत्तर दूंगा। उन्होंने उत्तर दिए यक्ष प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा धर्मराज अपने किसी एक भाई को जीवित करा सकते हो बोलो। युधिष्ठिर ने कहा नकुल नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष ने कहा कि आपने महाबली भीम नहीं मांगे आपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन नहीं मांगे। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी 2 माताएं एक पिताजी के साथ सती हो गई एक मां जीवित है 2 माताओं के हम 5 भाई हैं बड़ी मां का मैं जीवित हूं। जब आप एक को ही जीवित कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि मेरी छोटी मां की भी एक निशानी बची रहे इसलिए नकुल को जीवित करते। यक्ष की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा धर्मराज तुम वास्तव में धर्मराज हो मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था भगवान ही परीक्षा ले रहे थे। ये माताओं के संस्कार है एक और गांधारी है तो एक और कुंती है। कुंती ने इतने बड़ा दिल कुंती का है इसलिए भगवान अपनी उस बुआ को सबसे ज्यादा श्रद्धा करते हैं। कौशल्या मां कितनी महान है। उन्होंने एक शब्द भी दशरथ जी और कैकेयी के प्रति नहीं बोला। उन्होंने कहा राम तुम बन जाओ बेटे। उसी समय जानकी जी आ गई। पति और पत्नी के रिश्ते अभी पिछले 5-10 साल से पता नहीं देश में कौन सी बीमारी आ गई है। अब शादी करने में भी डर लग रहा है। हमारे भी बच्चे अब बड़े हो रहे हैं शादी योग्य हो रहे हैं। ऐसी बीमारी आ गई है कि बहुत सारे केसेस में रिश्ते टूट रहे हैं हालत खराब हो रही है। आज दोपहर में हम सब लोग बैठे थे अंकित जी के हमारा भोजन था तो मुकेश जी भाई सब लोग तो ये चर्चा हो रही थी कि रोज इसी प्रकार की पंचायतें समाज में हो रही हैं रोज रिश्ते टूट रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं कारणों पर विवेचना होनी चाहिए और भारत का समाज बहुत समझदार समाज है। कारणों पर अगर विवेचना होगी कारणों का अगर पता लगेगा तो फिर से समाज अपनी नई लाइफ स्टाइल तय करेगा। क्योंकि एक ये भी बात है कि आयु बढ़ने के साथ साथ विचार भी सीमेंटेड हो जाते हैं ये भी एक बड़ा कारण बन रहा है। एक बड़ी आयु आजकल चूंकि कैरियर के चक्कर में वो अब बहुत सारी उसमें चीजें हैं उसमें एजुकेशन भी है संस्कार भी है लेकिन भगवान का वनवास हुआ है और जानकी जी आके बैठ के बोल नहीं रही पैर के अंगूठे से जमीन को रेद रही ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है। जब आप मानसिक रूप से बहुत तनाव में होते हैं तो आप बैठे बैठे हाथ रगड़ेंगे आप उंगली ऐसे करेंगे पैर के अंगूठे से ये बॉडी लैंग्वेज है। कौशल्या मां ने देखा कहा राम बेटे बहू जाने की जिद करेगी लेके मत जाना ये बहुत कोमल है। मैंने अपनी बहू को जब से विवाह हुआ है तब से गोदी में रखा है पलंग पे रखा है झूले पर रखा है मेरी बहू ने कभी कठोर धरती पर पैर नहीं रखा। यानी जानकी जी के श्रीचरण इतने कोमल हैं
कि जब वो चलती थी तो कमल का पराग उनके चरणों के नीचे बिछाया जाता था। कौशल्या माँ ने कहा, राम बहू को कहो कि मेरी ओर से छूट है, जितने दिन चाहे मायके रहे, जितने दिन चाहे ससुराल रहे, पितुग्रह कबहूं कबहूं ससुरारी। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन जानकी जी ने जो उत्तर दिया वो भारत की संस्कृति है। आजकल जो हो रहा है विकृति है, अगर रिश्ते टूट रहे हैं तो किसी ना किसी विकार के कारण टूट रहे हैं, संस्कार तो जोड़ता है। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपसे बहस नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको ये अपने मन की बात बताए दे रही हूं कि अगर आप मुझे छोड़कर गए तो मैं तुरंत अपने प्राण छोड़ दूंगी, मैं जीवित नहीं बचूंगी प्रभु आपके बिना, और मेरी आत्मा आपके साथ रहेगी, और मेरी आत्मा को साथ रहने से तो आप नहीं रोक सकते। कितनी बड़ी बात जानकी जी, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करो प्राणिधान की, अतिशय प्रिय करो प्राणिधान की, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो तुम ही देवता हो। आज मैं आपको एक शुभ सूचना दूं कि आज माता जानकी जी का जन्मदिन है, जयंती है उनकी, तो आपसे निवेदन है कि उनके मुख से निकली हुई ये चौपाई एक बार आपके मुख से भी निकले, एक बार आप सब लोग दोहराएं, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना, तन धन धाम धरनपुर राजू। छह चीजें, पति विहीन सब शोक समाजू, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, जरा मीठी मीठी तालियां सबकी, तुम ही देवता हो। जब इतनी बड़ी बात कह दी तो भगवान ने कहा, चलो जानकी जी जब प्राण ही छोड़ दोगी तो लीला बिगड़ जाएगी,
लक्ष्मण जी ने कहा यही तरीका है, इसलिए लक्ष्मण जी ने भी यही कह दिया। गुरु पित मातु ना जानहु काहू, कहेऊ सुभाव नाथ पतियाहू। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भगत सुख दाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। एक बार सब, तुम ही मेरे, तुम ही मेरी, तुम ही देवता। भारत के प्रत्येक राम मंदिर में जानकी जी और लक्ष्मण जी साथ खड़े मिलेंगे। जो परमात्मा के लिए प्राण छोड़ने को तैयार है वही सच्चा प्रेम है। प्रेम का मतलब, अभी तीन दिन पहले हम लोगों ने, दो दिन पहले आपके सामने निवेदन किया था, आज मैं फिर निवेदन कर रहा हूं। प्रेम की परिभाषा नारद जी ने दी है, एक बार दोहराएंगे साथ में। बोलिए, तत् सुखात सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। स्वय सुखात सुखित्वम इति वासना लक्षणम। नारद जी कहते हैं मैं जिनको प्रेम करता हूं उनके सुख में सुखी हूं, अपने सुख की कामना नहीं है। अगर अपने सुख की कामना है तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो तो बिजनेस है। मैंने कितना किया और तुमने कितना किया बदले में, अगर हिसाब किताब आ गया खोपड़ी में तो बिजनेस हो गया। नारद जी जो कह रहे हैं जानकी जी उसी को सिद्ध कर रही। उन्होंने कहा प्रभु पूरे 14 वर्ष के वनवास में कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, ना आसन, ना बर्तन, ना रोटी, ना कपड़ा, ना जेवर, केवल आपकी सेवा करूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा मैं प्राण ही छोड़ दूंगा, मेरा अवतार केवल आपकी सेवा के लिए हुआ है। ये अद्भुत लोग हैं, इनको वनवास नहीं मिला है, ये प्रेम के कारण भगवान के साथ जा रहे हैं। लक्ष्मण जी अपनी नई नवेली गृहस्थी को छोड़कर, अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़कर जा रहे हैं, ये प्रेम है। मैं जब ये प्रसंग पढ़ता हूं तो मुझे चंद्रशेखर आजाद की याद आती है। क्या आदमी था, काकोरी में ट्रेन लूटी, अंग्रेजों का खजाना लूटा, हजारों रुपए पास में आ गए। भगत सिंह जी ने उनके तकिए के नीचे चिट्ठी पढ़ ली, गांव से आई थी, उसमें लिखा था कि आजाद जी आपके पिताजी बीमार हैं, दवाई के पैसे नहीं है, अगर 1 रुपए का मनी ऑर्डर कहीं से हो जाए दवाई आ जाएगी। भगत सिंह जी ने कहा यार बहुत कठोर हो तुम, पिताजी बीमार हैं, हमारे पास हजारों रुपए हैं। आजाद जी ने कहा सुनो, अंग्रेजों के अत्याचार से भारत में लाखों लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, अगर एक मेरे पिताजी भी मर गए तो कोई खास प्रलय नहीं होगी, लेकिन ये जो पैसा हमने अंग्रेजों का लूटा है, ये एक एक पाई अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उसके खिलाफ युद्ध में प्रयोग होगी, व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं होगी। क्या लोग थे वो, जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरु पितु मातु ना जानहु काहू, मेरे लिए राम से बढ़कर कोई नहीं है, ना गुरु, ना माता, ना पिता, ना परिवार, ना कोई। जब कोई बड़ा ध्येय प्राप्त होना होता है तो छोटी चीजों को छोड़ना होता है। भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मण, पहले माता जी को आशीर्वाद लेकर आओ, मां से विदा लेकर आओ,
अब देखिए ध्यान से देखिए, ये जो 14 वर्ष का वनवास है इसके डायरेक्टर कौन है? ये पूरी जो रामायण की फिल्म आप देख रहे हैं इसके डायरेक्टर कौन है? राम। प्रोड्यूसर कौन है? राम। और हीरो भी कौन है? राम। तो फिर साइड हीरो कौन बनेगा और किसको कहां कहां प्रकट करना है वो ही तो तय करेंगे। तो सुमित्रा मां से भी आप सबको मिलवाना था मेरठ के भक्तों को, इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि जाओ लखन। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा सुमित्रा मां से आशीर्वाद लेकर आओ। अगर भगवान लक्ष्मण जी को सुमित्रा मां के पास ना भेजे होते तो आपको कैसे पता लगता कि मां के विचार कितने महान हैं? सुमित्रा मां ने कहा बेटे मुझसे पूछने क्यों आया है? लक्ष्मण जी ने कहा मां भगवान ने कहा है। सुमित्रा ने कहा मैं तेरी मां नहीं हूं बेटे, तू समझ, तू असली माता पिता की सेवा में जा रहा है। कभी यह मत सोचना कि तू माता पिता से दूर है, क्योंकि हम लोग तेरे एक जन्म के माता पिता हैं और भगवान तो सारी दुनिया के जीवों के जन्म जन्म के माता पिता हैं। बेटे तू तो शेष नाग है, तू अच्छी तरह इस बात को जानता है। जो परमात्मा है वही त्रेता युग में सीताराम के रूप में अवतरित है, तू असली माता पिता की सेवा में जा रहा है। सुमित्रा मां ने कितना सुंदर ज्ञान दिया है। जब हमारे ध्रुव तारे को उसकी सौतेली मां ने बाप की गोदी से धक्का मार के उतार दिया था तो ध्रुव की मां सुनीति ने अपने बेटे को यही कहा था, ऐसे बाप की गोदी में क्यों बैठता है जहां से कोई धक्का मार के उतार दे? बैठना हो तो उस बाप की गोदी में बैठ जो परमानेंट गोद है, जहां से कोई नहीं उतार सकता। आज भी ध्रुव तारा बैठा है भगवान की गोदी में। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं जिस दिन आपके बच्चे का बर्थडे हो अपने बच्चे को उसके जन्मदिन पर ध्रुव तारे का दर्शन जरूर करवाना। ध्रुव तारे को जो बच्चा जन्मदिन पर प्रणाम करेगा ये व्यासपीठ की गारंटी है एक साल तक उस बच्चे की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ध्रुव तारे को पहचानोगे कैसे? पंडाल में कितने लोग ध्रुव तारे को पहचानते हैं देख लो इधर से, आप कैसे पहचानती हैं? हाँ सप्तऋषि परिक्रमा करते हैं। बहन जी ने सबसे ठीक बताया, इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। ज्यादातर लोग जो पहचानते हैं वो कहते हैं जो सबसे तेज चमकता है, जो सबसे तेज चमकते हैं वो देवगुरु बृहस्पति और दैत्यगुरु शुक्राचार्य हैं, जिनके बारे में लिखा जाता है शुक्राचार्य के बारे में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लाइक ए डायमंड इन द स्काई अप एबव द वर्ल्ड सो हाई, चूंकि वो दैत्यों के गुरु हैं। और जो पीले रंग के सबसे बड़े तारे हैं वो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। लेकिन ध्रुव बहुत तेज नहीं चमकता, ध्रुव बहुत कम चमकता है, उत्तर दिशा में होता है नीचे की ओर, सबसे अलग थलग। उसकी एक ही पहचान है कि सप्तऋषियों के जो सात तारे हैं वो ध्रुव के चार ओर परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वो भगवान की परिक्रमा करते हैं, भगवान की गोदी में ध्रुव है। तो उसकी पहचान ये है कि सप्तऋषियों के आगे के जो दो तारे हैं उसकी सीध में अगर आप एक रेखा उत्तर की ओर खींचेंगे तो सीधी ध्रुव पर आएगी। ध्रुव की मां ने सुनीति ने भी अपने बेटे को यही कहा था कि भगवान की गोद में बैठ बेटे। और ध्रुव ने मथुरा में आके 6 महीने तप किया और भगवान की गोद को प्राप्त किया। तो लक्ष्मण जी की मां ने कितना बड़ा सीख लक्ष्मण जी को दी है, एक बार इस चौपाई को हम लोग गाएंगे आधा आधा, आधा पहले आप गाएंगे आधा फिर आप गाएंगे, चूंकि आधी चौपाई पहले मां की है। तात तुम्हारी मातु बेटे ही संभाल के भाई साहब। पिता राम सब भांति सने बहुत सुंदर। सुमित्रा मां ने कहा यह कभी मत मानना कि कैकई के कारण वन हुआ,
वनवास कैकेयी के कारण नहीं हुआ बेटे, वनवास तेरे कारण। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे कारण? बोले कैकेयी तो बहाना है, असली मकसद तो तेरा सिर का दर्द मिटाना है। तूने भगवान की एप्लीकेशन दी थी कि एक पापी बढ़ता है तो एक पहाड़ से भी भारी होता है, करोड़ों और वो पापी बढ़ गए हैं, पृथ्वी का वजन इतना अधिक हो गया है प्रभु के मैं उसको कैसे धारण करूं। इसलिए भगवान धरती माता के वजन को मिटाने के लिए पापियों के नाश को और धर्म के प्रकाश को जा रहे हैं। कहके ही तो बहाना है बेटे, असली मकसद तो दुनिया में से पाप को मिटाना है। इसलिए 14 साल तक तेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई दोष ना आवे, स्वप्न में भी। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ी कड़ी शर्त लगाई मां, जागते समय तो मन पर कंट्रोल होता है लेकिन सोते समय कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन तेरे दूध की सौगंध खाता हूं मां, आज से 14 साल सोऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं तो सपना नहीं और सपना नहीं तो विकार भी नहीं। मां को इतना अपने बच्चे पर गर्व हुआ, मां ने दोनों हाथ सिर पर फेरे, छाती से लगाया अपने बेटे को और दुनिया की माताओं को कहा अगर बच्चे को जन्म देना हो तो पुण्यात्मा को देना, पापी को मत देना, धरती पर बोझ को मत बढ़ाना, धरती के बोझ को हल्का करना। पुत्रवती कहलाने लायक वही स्त्री है जिसकी कोख से भगवान का भक्त जन्म लेता है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सो तो होई। और यहां से सीताराम लक्ष्मण जी तीनों निकले हैं और अयोध्या के लोग उनको इतना प्रेम करते हैं, एक भी अयोध्यावासी घर में नहीं रुका। बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो सब बिजनेस छोड़कर भगवान के साथ, जहां हमारे राम रहेंगे वहां हम रहेंगे। भगवान ने बहुत समझाया, कोई नहीं माना, तब तमसा नदी के तट पर सबको सोता हुआ छोड़ गए। जो सोवत है सो खोवत है। चाचा जी को कहा चाचा जी रथ को ऐसे चलाइए कि कोई पीछा ना कर सके, और भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे। लेकिन श्रृंगवेरपुर से पहले भगवान को गंगा जी की चमकती हुई धारा दिखाई पड़ी, अपने रथ से उतरकर गंगा मैया को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। देखिए राम जी प्रणाम कर रहे हैं उसके साथ हम लोग। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। श्री विश्व मंगल हनुमान धाम तारखेड़ी के सानिध्य में त्रिदिवसीय श्री विश्व मंगल ज्ञान गंगा यज्ञ